सुंदरम सौभनाधीश्वरम नागलिंगेश्वरम ಆಂಗ್ಲೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಸನ್ಮಾನನೀಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಮೈ ಬಹುತ ಆಭಾರಿ ಹೂ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಾ ಕಿ ಆಪ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಹೈ. मुझे आपसे कुछ संवाद करने का संभाषण करने का समय मिल रहा है. मैं आप सबसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि कन्नड़ भाषा में बात नहीं कर सकता. मैंने अभी कन्नड़ भाषा सीखना शुरू किया है. मुझे कन्नड़ समझ में आती है. थोड़े दिन के बाद जब भी मेरा कन्नड़ अभ्यास पूरा होगा तो मैं आपसे कन्नड़ में भी उपन्यास करूंगा. लेकिन तभी तक आप मुझे क्षमा करेंगे जब तक मेरा कन्नड़ अभ्यास पूरा नहीं हो पाता. मैं पिछले कई वर्षों से भारत राष्ट्र में एक आजादी बचाओ आंदोलन के कार्य में लगा हुआ हूँ. ये एक स्वदेशी चळवळ है जो पूरे भारत राष्ट्र में संचालित हो रही है. इसी चळवळ के पूरे भारत राष्ट्र में कुछ उपन्यास आयोजित होते हैं, कुछ कार्यक्रम आयोजित होते हैं. पिछली बार भी मैं एक बार आपके नगर में आया था और आपके साथ मैंने संवाद किया. अभी फिर से मुझे आने का मौका मिला और आप सभी लोगों ने भी आयोजित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ. भारत राष्ट्र की परिस्थिति के बारे में आपसे मैं आज दो तीन गंभीर बातें कहना चाहता हूँ.
अपने राष्ट्र की परिस्थिति क्या है। ये अभी थोड़े दिन पूर्व आपको 13 दिसंबर 2001 को जब ये हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो आपको उससे ज्ञान हुआ होगा, अंदाजा हुआ होगा। हमारे भारत राष्ट्र पर इस समय एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अटैक हो रहा है, राजनीतिक हमला हो रहा है, और वो राजनीतिक हमला टेररिज्म के नाम पर है, भय उत्पादन के नाम पर है, और उसको पाकिस्तान नाम का राष्ट्र स्पॉन्सर कर रहा है। पाकिस्तानी टेररिज्म का जो हमला हमारे देश पर हो रहा है उसमें हमारे देश को काफी कुछ लॉस हो चुका है, काफी हानि हुई है। जिस तरह से 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और पाकिस्तानी भय उत्पादक संगठनों ने, जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के भय उत्पादकों ने ये हमला किया, इसमें हमारे देश की सुरक्षा के काम में लगे हुए 10 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, उनका बलिदान हुआ। इसके पूर्व इसी तरह से भय उत्पादकों के द्वारा 1 अक्टूबर 2001 को हमारे भारत राष्ट्र के जम्मू काश्मीर नाम के राज्य की असेंबली पर एक अटैक हुआ था, जिसमें हमारे भारत राष्ट्र की सुरक्षा के काम में लगे हुए करीब 40 ऑफिसर्स उसमें तो शहीद हो गए थे। इसी तरह से एक भय उत्पादकों का हमला दिसंबर 2000 में हमारे देश पर हुआ था। हमारे भारत राष्ट्र का जो राजधानी है, जो कैपिटल सिटी है, वो दिल्ली है। दिल्ली में एक रेड फोर्ट है, लाल किला है, जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से लगातार कोई स्पीच करते हैं, उपन्यास करते हैं। उसी रेड फोर्ट पर दिसंबर 2000 में भय उत्पादकों ने हमला किया था और उसमें हमारे सुरक्षा कर्मियों का बलिदान हुआ था। पिछले 20 वर्षों से 1980 से लगातार हमारे देश पर भय उत्पादकों का इसी तरह से हमला हो रहा है, और ये जितने भी भय उत्पादक संघ हैं, संगठन हैं, संस्था हैं, उनके बारे में अभी कंक्लूसिव एविडेंसेस सारे देश को मिल चुके हैं कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि ये जो भय उत्पादन का काम पाकिस्तान कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है, पाकिस्तान का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। तो उसका तो एक सीधा सा कारण है, 1947 में जब भी भारत राष्ट्र स्वतंत्र हुआ उससे एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान विभाजित हुआ, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन कराने वाले जो लोग थे उनमें से एक मुस्लिम लीडर था जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उसने तो पाकिस्तान के डिवीजन की बात कही थी, भारत को बांटकर, भारत को विभाजित करके पाकिस्तान होना चाहिए, ये उसकी डिमांड थी। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोहम्मद अली जिन्ना को टोटल सपोर्ट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पॉलिसी था कि भारत राष्ट्र को स्वतंत्र होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित। 13 अगस्त 1947 को जब भी भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे भारत राष्ट्र में 565 स्टेट थे, 565 राज्य थे हमारे देश। आज तो भारत देश में 28 स्टेट्स हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिवस भारत राष्ट्र में 565 राज्य थे। जैसे मैसूर एक राज्य था, भोपाल एक राज्य था, हैदराबाद एक राज्य था, जूनागढ़ एक राज्य था, त्रावणकोर एक राज्य था, ऐसे 565 राज्य थे। अंग्रेजों का तो साजिश ऐसी थी, अंग्रेजों की पॉलिसी ये थी कि ये सभी जो स्टेट्स हैं, 565 स्टेट्स,
ये सभी भारत से जब अलग हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, तो भारत राष्ट्र नहीं होगा। अंग्रेजों का तो ये बहुत बड़ा साजिश था, कॉन्स्पिरेसी उन्होंने किया, और अंग्रेजों ने इसी कॉन्स्पिरेसी को, इसी साजिश को तो पूरा करने के लिए सभी स्टेट के जो चीफ थे, जो राज्य के मुख्य थे, प्रमुख थे, उनको तो अधिकार ये दिया कि आप तो चाहे भारत से अलग अपना राष्ट्र बना सकते हैं, आप तो चाहे तो पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। अंग्रेजों का उस समय वॉयसराय हमारे देश में था, उसका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन ने बहुत सारे राज्यों के प्रमुख लोगों को ये कहा था कि आप तो अगर भारत राष्ट्र से अलग होंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। माउंटबेटन की इस बात को समझकर बहुत सारे राज्यों के जो प्रमुख थे, उन्होंने भारत राष्ट्र से पाकिस्तान में जाने का संकल्प किया। जैसे हैदराबाद राज्य था, हैदराबाद राज्य का जो प्रमुख था वो निजाम था, और निजाम ने ये कहा कि हम तो पाकिस्तान में चले जाएंगे। इसी तरह से भोपाल राज्य था, भोपाल राज्य का एक प्रमुख था, उसने कहा कि हम भी तो पाकिस्तान में चले जाएंगे। इसी तरह से जूनागढ़ नाम का एक राज्य था गुजरात में, तो जूनागढ़ राज्य का जो प्रमुख था उसने भी कहा कि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। भोपाल नाम का राज्य, जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, ऐसे तो बहुत सारे राज्यों ने अंग्रेजों के सपोर्ट करने पर ये कहना शुरू कर दिया कि हम भारत से तो अलग हो जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे। जब भी अंग्रेजों की ये साजिश का पता, कॉन्स्पिरेसी का पता हमारे भारत राष्ट्र के एक बहुत महान व्यक्ति, बहुत महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को मालूम हुआ कि अंग्रेजों की ऐसी पॉलिसी है कि वो भारत राष्ट्र को खंड खंड विभाजित करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस के नाम पर भारत राष्ट्र को तोड़ देना चाहते हैं, और जो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग हैं उनको सपोर्ट करके भारत के बहुत सारे राज्यों को पाकिस्तान में भेजना चाहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के उस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए, अंग्रेजों के उस साजिश को नाकाम करने के लिए एक दूसरा काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत राष्ट्र के सभी राज्यों के जो चीफ थे उनके पास तो अपना मैसेंजर भेजा, अपना दूत भेजा, कई राज्यों के पास वो स्वयं गए, और उन्होंने राज्यों के जो प्रमुख थे, जो चीफ थे, उनको कन्विंस करना शुरू किया कि आप अगर भारत में रहेंगे तो आपको क्या लाभ है, आप भारत से जब ही अलग होंगे तो आपको क्या हानि हो सकती है, और आप अगर भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाएंगे तो भी आपको क्या हानि हो सकती है। जब ही सरदार पटेल ने ये कैंपेन किया और सभी राज्यों के प्रमुख के पास वो जाकर उन्होंने संवाद करना शुरू किया, संभाषण किया, तो बहुत सारे राज्यों के प्रमुख लोगों ने अपना तो संकल्प बदल दिया, और उन्होंने बाद में भारत में मिलने का तो संकल्प कर लिया। लेकिन हैदराबाद राज्य, भोपाल, जूनागढ़, त्रावणकोर, ये चार राज्य ऐसे थे जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे, तो सरदार पटेल ने फिर वहां आर्मी भेजा, और इंडियन आर्मी जब ही जूनागढ़ में गया और वहां के राज्य प्रमुख के साथ थोड़ा सा वॉर हुआ, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। इसी तरह से सरदार पटेल ने हैदराबाद में आर्मी भेजा, हैदराबाद के निजाम ने थोड़े दिन के बाद सरेंडर किया, फिर भोपाल में आर्मी भेजा तो भोपाल के प्रमुख ने सरेंडर कर दिया, त्रावणकोर में सरेंडर हुआ। इस तरह से तो धीरे धीरे कई सारे राज्यों ने भारत में मिलने का संकल्प कर लिया। एक राज्य ऐसा था जिसका नाम था जम्मू काश्मीर, वहां का जो प्रमुख था उसका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने यह संकल्प लिया था कि मैं भारत राष्ट्र में नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान राष्ट्र में भी नहीं जाऊंगा, मैं एक अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनाऊंगा, स्वतंत्र राष्ट्र बनाऊंगा।
तो जम्मू कश्मीर को वो स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता था, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान नाम का राष्ट्र बन चुका था विभाजन के बाद, उसका जो प्रमुख था मोहम्मद अली जिन्ना, वो जम्मू कश्मीर को लेना चाहता था, टेक ओवर करना चाहता था। मोहम्मद अली जिन्ना का ये डिमांड था कि जम्मू कश्मीर को हमें दे दो, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख था उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हम नहीं आपको आने वाले हैं, हम तो पाकिस्तान में नहीं शामिल होंगे। दूसरा, जम्मू कश्मीर की जो प्रजा थी, जो वहां के नागरिक थे, उन्होंने भी कहा कि हम तो भी नहीं आ सकते आपके। तो जम्मू कश्मीर की प्रजा पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती थी, जम्मू कश्मीर के नागरिक पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था। तो भारत राष्ट्र के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि यदि वहां के नागरिक पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, और यदि वहां के नागरिक के साथ साथ वहां का जो राजा है, जो प्रमुख है, वो भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता, तो मोहम्मद अली जिन्ना को अपना तो ये छोड़ देना चाहिए संकल्प कि जम्मू कश्मीर हमें दे दो। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान का डिमांड किया था तो जम्मू कश्मीर उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ऐसा चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए। लेकिन सरदार पटेल ने जब भी वहां के राजा के साथ और वहां की नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया तो पता चला कि राजा और वहां के नागरिक दोनों नहीं जाना चाहते पाकिस्तान। तभी सरदार पटेल ने वहां के राजा को बोला कि तभी आप अगर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते तो आप भारत में मर्ज कर लो। तो उसने कहा कि हम भारत में अभी मर्ज नहीं करना चाहते, हम तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते। सरदार पटेल ने उसको वार्निंग दिया कि अगर आप अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ भारत है, या तो पाकिस्तान आपको टेक ओवर कर लेगा या हम टेक ओवर कर लेंगे, और आपकी आर्मी तो इतनी पावरफुल नहीं है कि आपको वॉर कर सके। लेकिन फिर भी वो राजा जो था उसके समझ में नहीं आया, उसको ये कन्विंसिंग नहीं लगा, और उसने तो यही कहा कि हम तो स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। तभी एक दिन मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगा कि हम तो जम्मू कश्मीर पर अटैक कर सकते हैं, और जम्मू कश्मीर को अटैक करके तो हम इसको टेक ओवर कर सकते। तो 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी आर्मी ने जम्मू कश्मीर को अटैक किया, और 20 अक्टूबर 1947 के तारीख तक, उस दिन तक जम्मू कश्मीर भारत राष्ट्र का अंग नहीं था जब भी पाकिस्तान ने उसको अटैक किया। पाकिस्तान की पॉलिसी यह थी कि हम अटैक करके तो इसको जब भी टेक ओवर कर लेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है। अभी 20 अक्टूबर 1947 से 23 अक्टूबर 1947 तक काफी तो युद्ध हुआ जम्मू कश्मीर आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी। उसके बाद 24 अक्टूबर 1947 को विद इन 4 डेज जम्मू कश्मीर आर्मी ने पाकिस्तान के सामने तो सरेंडर कर दिया, और राजा हरि सिंह को तो परेशानी हो गई। उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको कहा कि हमारी आर्मी तो पाकिस्तान से फाइट नहीं कर सकती, हमें तो भारत राष्ट्र से मदद लेनी चाहिए, हेल्प मांगनी चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तो प्राइम मिनिस्टर को भारत सरकार के पास भेजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर को भेंट करने के लिए आया दिल्ली में, और उसने सरदार पटेल को रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि हमारे राष्ट्र पर तो पाकिस्तान का अटैक हुआ है, आप हमारी मदद करिए, हेल्प करिए। सरदार पटेल ने तो उसको मना कर दिया। सरदार पटेल ने कहा कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्यों?
इसलिए नहीं कर सकते कि आपका तो राष्ट्र हमारे देश में नहीं है, आप तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो हम मदद नहीं कर सकते। अगर जम्मू कश्मीर भारत राष्ट्र का अंग होगा तो हम जम्मू कश्मीर को हेल्प कर सकते हैं। इस कंडीशन में तो आप अगर हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे, अदरवाइज आप अगर एक इंडिपेंडेंट नेशन है तो हम अपना आर्मी तो आपको नहीं दे सकते। तो जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर था उसको तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, उसने अपने राजा को कॉन्टेक्ट किया और बोला कि सरदार पटेल ने तो मना कर दिया है करने से, मदद करने से। तो फिर जम्मू कश्मीर के राजा ने सरदार पटेल को पूछा कि अभी क्या करना है, आप कंडीशन बताइए। तो सरदार पटेल ने कहा कि इंडियन आर्मी तो तभी जम्मू कश्मीर में आ सकती है जब ही जम्मू कश्मीर भारत राष्ट्र में शामिल होगा, मर्ज करेगा और भारत राष्ट्र का अंग होगा, तभी हमारी आर्मी तो आ सकती है। राजा हरि सिंह ने सरदार पटेल को कहा कि ठीक है, हम मर्ज करने के लिए तैयार हैं, आप एग्रीमेंट फाइनल करिए। सरदार पटेल ने एग्रीमेंट पेपर तैयार किए और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य भारत राष्ट्र का अंग हो गया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया और जम्मू कश्मीर भारत राष्ट्र का अंग हो गया, एक स्टेट बन गया। जैसे कर्नाटक स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, ऐसे उत्तर प्रदेश, वैसे जम्मू काश्मीर एक स्टेट हो गया। जब जम्मू काश्मीर भारत राष्ट्र का अंग हो गया, स्टेट हो गया, राज्य हो गया, तभी सरदार पटेल ने अपने आर्मी को ऑर्डर किया कि अभी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र का तो अंग है। तो इंडियन आर्मी तो जम्मू काश्मीर में पहुंच गई और भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को काश्मीर में जब भी पहुंच गई तो पाकिस्तानी आर्मी ने वहां से विड्रॉ करना तो शुरू किया। फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध किया और वो युद्ध काफी दिनों तक होता रहा। 27 अक्टूबर 1947 से जनवरी 1948 तक 3 महीने तो लगातार युद्ध हुआ, वॉर हुआ। फिर उस वॉर में पाकिस्तान को डिफीट हो गया, पाकिस्तान पराजित हुआ और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से विड्रॉ किया। लेकिन विड्रॉ करते 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 एक छोटा सा एरिया था जिसको गिलगित कहते हैं, गिलगित, एक दूसरा छोटा सा एरिया कश्मीर में उसको स्कारदू कहते हैं, स्कारदू, और एक छोटा सा थर्ड एरिया उसको हुंजा कहते हैं। तो गिलगित, स्कारदू और हुंजा, ये तीन एरिया जो थे वो पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में तो रह गए और बाकी पूरा जो कश्मीर था, 2/3 कश्मीर तो भारतीय सेना के पास आ गया। तभी उस समय पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भारत सरकार को कहा कि अब हम आपसे सीज फायर करना चाहते, शांति विराम करना चाहते, युद्ध विराम करना चाहते। सरदार पटेल ने युद्ध विराम से मना कर दिया। सरदार पटेल ने कहा कि हम कोई शांति विराम नहीं करेंगे जब तक ये 1/3 पोर्शन हमारा देश का, गिलगित, स्कारदू और हुंजा, कश्मीर में वापस नहीं आता, तभी तक तो युद्ध विराम कोई प्रश्न नहीं है करने। फिर पाकिस्तान ने क्या किया, भारत देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अप्रोच किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कन्विंस किया कि आप तो चाहे युद्ध विराम हो सकता है। पंडित नेहरू कश्मीर के रहने वाले थे, उनके मन में थोड़ा सा कश्मीर को लेकर नॉस्टैल्जिया बहुत था, उसके आधार पर पंडित नेहरू तैयार हुए कि ठीक है सीज फायर करिए। तो सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ, शांति विराम का एग्रीमेंट हुआ। सरदार पटेल उस एग्रीमेंट के विरुद्ध थे लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके सपोर्ट में थे। तो जब भी सीज फायर एग्रीमेंट हुआ तो गिलगित, स्कारदू और हुंजा, ये 300 डिवीजन है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया और जो रेस्ट ऑफ द कश्मीर है वो भारत के कंट्रोल में रहा।
और उसी गिलगित इस्कांडर और हमजा को आज हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तो भारत राष्ट्र का है लेकिन पाकिस्तान के कंट्रोल में है, क्योंकि 1948 में हमारे साथ को एक शांति विराम समझौता पाकिस्तान ने किया। बाद में क्या हुआ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो प्रॉब्लम था इसके लिए यूनाइटेड नेशंस में एक एप्लीकेशन किया, और यूनाइटेड नेशन में जाके जब भी पंडित नेहरू ने एप्लीकेशन किया तो उसमें ऐसा रेजोल्यूशन हुआ कि जब भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक प्लेबिसाइट कराया जाए, रेफरेंडम कराया जाए, पब्लिक ओपिनियन पोल कराया जाए, और वहां के नागरिक तो जो डिमांड करेंगे, जो मांग करेंगे, उसके आधार पर उसका डिसीजन किया जाए कि वो पाकिस्तान में रहेगा कि भारत में रहेगा। दूसरा उसमें कंडीशन ये था यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में कि जब भी प्लेबिसाइट होगा, रेफरेंडम होगा, ओपिनियन पोल होगा, तो पाकिस्तानी आर्मी को वहां से विथड्रॉ करना होगा। जब भी पाकिस्तानी आर्मी टोटली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वैकेंट कर देगी, खाली कर देगी, वहां से विथड्रॉ हो जाएगी, तभी वहां पर रेफरेंडम हो सकता। ये यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन किया 1949। जब ये रेजोल्यूशन हुआ तो इसमें कंडीशन ये था कि पाकिस्तानी आर्मी को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से विथड्रॉ करना होगा, तभी वहां पर प्लेबिसाइट होगा, रेफरेंडम होगा, जनमत संग्रह होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि 1949 के इस रेजोल्यूशन के बाद आज तक भी पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वैकेट नहीं किया, और पाकिस्तानी आर्मी को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से विथड्रॉ नहीं किया। और क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से विथड्रॉ नहीं करती है, इसलिए तो रेजोल्यूशन में जो रेफरेंडम की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो सकती। तो वहां पर प्रॉब्लम जो हो गई, जो झगड़ा हो गया, वो इस बात का कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रेफरेंडम कराना है, पाकिस्तानी आर्मी से वैकेट कराना है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उसको वैकेट नहीं करती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने आर्मी को वहां से विथड्रॉ नहीं करती है, तो रेफरेंडम नहीं होता है, तो क्लेरिफाइड नहीं होता है। तो वो झगड़ा तो आज तक तो चला आता है। बाद में क्या हुआ, जब भी पाकिस्तानी आर्मी ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से विथड्रॉ नहीं किया तो सेकेंड टाइम फिर पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर पर अटैक किया, और सेकेंड टाइम पाकिस्तानी आर्मी ने जब कश्मीर पर अटैक किया तो 1965 में किया, सितंबर 1965। और उसी समय भारत राष्ट्र में जो प्रधानमंत्री थे उनको थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने पाकिस्तानी अटैक का तो पूरी तरह से जवाब देने के लिए, कठोर जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को कहा कि आपको फ्री हैंड है, आपको जो करना है कर सकते, पाकिस्तान को मारना है, पीटना है, जो करना है आप करिए, आपको फ्री हैंड। तो इंडियन आर्मी को जब भी फ्री हैंड हुआ, भारतीय सेना को स्वतंत्र रूप से काम करने का जब रास्ता मिला, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया, और पाकिस्तान का जो लाहौर था वो जीत लिया, भारतीय सेना टेक ओवर कर लिया लाहौर। इंडियन आर्मी ने तो लाहौर में जाकर तिरंगा झंडा लगा दिया 1965। जब ही लाहौर तो हमारे कंट्रोल में आ गया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो हालत खराब हुआ। फिर उन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया, पाकिस्तान की सरकार ने, और अमेरिका को जाकर बोला कि हमारा तो लाहौर हमें वापस दे दो, भारत को कहो कि लाहौर वापस दे दो। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि शास्त्री जी मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि शास्त्री जी एंटी अमेरिका थे, और वो चूंकि एंटी अमेरिका थे तो अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ भी बोले शास्त्री जी उसको मानते ही नहीं थे, सुनते नहीं थे, और शास्त्री जी एंटी अमेरिका तो कितने अधिक थे उसका तो एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। जब ही श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने
उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अमेरिकन गवर्नमेंट के जितने एग्रीमेंट थे सभी कैंसिल कर दिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री के पूर्व में जो सरकार थी हमारे देश में, वो सरकार ने अमेरिकन सरकार के साथ जितने भी बायलेटरल एग्रीमेंट किए थे वो सभी शास्त्री जी ने कैंसिल किए, और उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका से कोई एग्रीमेंट नहीं था। उन्होंने जो एग्रीमेंट से कैंसिल किया था वो ये था कि अमेरिका से भारत को बीट आता था, हम गेहूं लेते थे अमेरिका, बीट इम्पोर्ट होता था हमारे देश में, लाल रंग का अमेरिकन गेहूं आता था, रेड कलर का होता था, वर्स्ट क्वालिटी का होता था, वो तो अमेरिका हमको बेचता। शास्त्री जी ने अमेरिकन बीट इंपोर्ट करना बंद कर दिया, टोटली स्टॉप कर। उसी समय हमारे देश में थोड़ा अकाल पड़ गया, ड्राउट हुआ, तो प्रोडक्शन हमारे देश में बीट का कम हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया और शास्त्री जी को कहा कि आप फिर से बीट इंपोर्ट करिए अमेरिका से, तो शास्त्री जी ने कहा वो नहीं करेंगे, अमेरिका से बीट इंपोर्ट करने से अच्छा तो हम भूखे रहेंगे, व्रत करेंगे, लेकिन अमेरिकन बीट नहीं खाएंगे। और आप जानते हैं कि जब हमारे देश में बहुत क्राइसिस था बीट का, पूरे देश में अकाल हो गया था, ड्राउट था, तो श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के नागरिकों को अपील किया कि आप सप्ताह में एक दिन व्रत रखना तो शुरू कर दीजिए, और भारत के करोड़ों नागरिकों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। अमेरिकन बीट नहीं खाया, व्रत में हम रहे, भोजन कम खाई, लेकिन अमेरिका से कोई हम संबंध नहीं बनाए, कोई रिलेशन हमारा नहीं। तो ये शास्त्री जी का बहुत टफ डिस्टेंस था अगेंस्ट अमेरिका। शास्त्री जी का कहना था कि अमेरिका भारत का मित्र नहीं, ये पाकिस्तान का मित्र है, ब्रिटेन भी भारत का मित्र नहीं है। शास्त्री जी इसको भी कहते, वो कहते थे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ये जितने भी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये सभी पाकिस्तान के मित्र हैं, भारत के मित्र नहीं। तो इस कारण से तो वो मानते थे कि इन देशों से तो भारत को संबंध नहीं रखना चाहिए। तो जब ये पाकिस्तान अमेरिका के पास गया, अप्रोच किया पाकिस्तान ने कि हमारा लाहौर तो हमको वापस मिलना चाहिए, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि हमको ये नहीं चाहते। तो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को पूछा तो आप कोई दूसरा रास्ता बताइए, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को ये एडवाइस किया कि अगर आपको कुछ करना चाहते हैं तो जो रशियन प्रेसिडेंट है उसको तो अप्रोच करें, क्योंकि शास्त्री जी की रूस के साथ दोस्ती, सोवियत संघ से थोड़ी दोस्ती। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को ये बोल दिया था कि अगर रशियन प्रेसिडेंट कहेंगे शास्त्री जी को तो शास्त्री जी सुन सकते, हमारी बातों को नहीं माने। फिर रशियन प्रेसिडेंट ने शास्त्री जी को पाकिस्तान को रशिया के पास गया और हाथ जोड़कर कहा कि अभी तो हमारा लाहौर दिलवा दो, हमारा लाहौर चला गया, और अगर लाहौर हमको नहीं मिला तो थोड़े दिन में कराची भी चला जाएगा, इस्लामाबाद भी चला जाएगा, सभी चला जाएगा। तो रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को कहा कि आप पहले एक एग्रीमेंट करो कि सेकेंड टाइम आप अटैक नहीं करोगे, तभी तो मैं ये कर सकता हूं। तो पाकिस्तान के तो सभी पॉलिटिशियन बहुत झूठे और मक्कार किस्म के हैं, तुरंत उसने हाँ बोल दिया, हाँ मैं एग्रीमेंट कर। झूठ बोलने में नंबर वन, फ्रॉड करने में नंबर वन, बेईमानी करने में नंबर वन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का उस समय जो प्रेसिडेंट था उसने रशियन प्रेसिडेंट को बोल दिया कि हमको एग्रीमेंट कर लेंगे, आपको हमारा लाहौर दिलवा। रशियन प्रेसिडेंट ने शास्त्री जी को कहा कि पाकिस्तान ऐसा एक एग्रीमेंट करना चाहता है और वो कभी भी भारत को अटैक नहीं करेगा, आप उनका लाहौर दे दो। तो शास्त्री जी ने कहा कि मैं पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता,
मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इसने 1949 में ऐसा कहा था। 1949 में पाकिस्तानी आर्मी ने भारत सरकार को एग्रीमेंट किया था कि हम कभी भी कश्मीर को अटैक नहीं करेंगे, और 65 में अटैक किया। तो शास्त्री जी ने कहा कि मैं तो नहीं मानता कि ये एग्रीमेंट करें। तो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं उसकी गारंटी देता हूं, मैं गारंटर बन सकता हूं। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है, अगर आप गारंटी देते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसको ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट एक शहर एक सिटी है रूस में, उसका नाम है ताशकंद, वहां पर हुआ, और 10 जनवरी 1966 को हुआ। जब 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ तो उसमें शास्त्री जी ने पाकिस्तान को लाहौर वापस कर दिया, और उसके बदले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शास्त्री जी को यह कहा कि हम कभी भी भविष्य में भारत को अटैक नहीं करेंगे, कश्मीर को अटैक नहीं करेंगे, और कभी भी हम कश्मीर का डिमांड भी नहीं करेंगे। आपको जानते हैं बाद में तो धोखा हो गया, जैसे ही शास्त्री जी ने एग्रीमेंट साइन किया 10 जनवरी 1966 से, उसके तो थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनको मर्डर कर दिया। और वो मर्डर किस तरह से किया गया, उनको पॉइजन दे दिया। शास्त्री जी यहाँ पे तो गए थे एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन उनकी डेड बॉडी को वहां से वापस आई। उनका जो पर्सनल फिजिशियन था, श्री लाल बहादुर शास्त्री का जो पर्सनल डॉक्टर था, उसने तो डिक्लेयर किया कि इनको तो पॉइजन दिया गया, क्योंकि उनका पूरा जो बॉडी जो था एकदम ब्लैकिश हो गया और बॉडी के नेल्स भी ब्लैक हो गए। अभी नेल्स ब्लैक तभी होते हैं जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन को दिया जा रहा है। और शास्त्री जी के डॉक्टर का ये आरोप था पाकिस्तानी ऑफिसर्स को, ये जहर को पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने दिया, और उसमें पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा एजेंसी जो ISI नाम का है उसका इन्वॉल्वमेंट था। अभी आप कहेंगे कि क्यों उन्होंने जहर दिया, इसलिए दिया कि जब भी एग्रीमेंट हुआ तो शास्त्री जी ने उसको तो ये कहा था पाकिस्तान को कि हम तो आपको लाहौर देंगे, लेकिन आप पाकिस्तान कश्मीर को हमें वापस दें, तभी आपको लाहौर। तो पाकिस्तान ने पहले तो हाँ बोला कि हम आपको दे देंगे पाकिस्तान कश्मीर, तो एग्रीमेंट तो कर लिया। एग्रीमेंट करने के बाद शास्त्री जी को मर्डर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर की बात सिर्फ शास्त्री ही जानते हैं, बाकी किसी को मालूम नहीं था। तो इस तरह का बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ और पाकिस्तान ने रोक दिया। फिर उसके बाद जब शास्त्री जी की डेथ हुई तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी बने। श्रीमती इंदिरा गांधी के पूर्व लोग 2 महीने के लिए गुलजारीलाल नंदा भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद फुल प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नितिन गांधी हो गए। जब नितिन गांधी प्राइम मिनिस्टर हुई तभी पाकिस्तान ने फिर से तो कोशिश किया, और 65 में पाकिस्तान ने जो वायदा किया था शास्त्री जी से उसको तो तोड़ दिया, जो एग्रीमेंट किया था उसको भी तोड़ दिया। और अगेन 1971 में पाकिस्तान ने फिर अटैक किया। 71 में 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी का जो बेस कैंप है राजस्थान में जोधपुर उसको तो अटैक किया। आर्मी ने 3 दिसंबर 1971 को अटैक किया तो इंडियन आर्मी ने भी फिर उसका जवाब दिया। उसी समय हमारे आर्मी के जो चीफ थे वो जनरल करियप्पा थे, और उनके तो जो राइट हैंड मैन थे वो लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा। हमारी आर्मी में ऐसा कहा जाता है
कि जनरल करियप्पा से ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी बनाने वाला अभी तक कोई ऑफिसर नहीं हुआ इंडियन आर्मी। उनका जो स्ट्रेटेजी होता था वॉर स्ट्रेटेजी वो एकदम परफेक्ट होता और वो परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ काम करते। जब पाकिस्तानी आर्मी का अटैक हुआ 3 दिसंबर को, जिसमें गांधी ने जनरल करियप्पा को भेंट किया और पूछा कि क्या करना चाहिए, तो जनरल करियप्पा ने कहा कि आप मुझे 15 डेज का तो पीरियड दे और 15 डेज आप आर्मी को पूछना नहीं कि क्या कर रहे हैं। विदिन 15 डेज हम आपको बताते हैं कि देखो पाकिस्तान का क्या हाल है। तो विदिन गांधी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि विदिन 15 डेज में हो सकता है, क्योंकि यदि 65 का वॉर हुआ 3 मंथ तक हुआ, 47 का वॉर हुआ तो वही एयर तक तो चला। तो विदिन गांधी को लगा कि जनरल करियप्पा तो मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको तो कॉन्फिडेंस है कि 15 डेज का हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि 15 डेज से 16 डेज में नहीं करने वाला, हो सकता है 14 डेज में ही हो जाए, 13 डेज में हो जाए, लेकिन 15 से ऊपर तो नहीं होने वाला। ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, आप मुझे फ्री हैंड दे दो, मैं क्या करूंगा आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर। मिसेस गांधी ने जनरल करियप्पा को फ्री हैंड दिया और कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप फेस करना, मैं तो गौर करने वाला। जनरल करियप्पा ने अपने सबसे बहादुर सेनापति को बुलाया, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जसवीर सिंह अरोड़ा एक सरदार जी। उनको जब भी उन्होंने कॉल किया और कहा कि मैं आपको तो 13 डेज पीरियड दे सकता हूं, मिस्टर गांधी ने मुझे 15 डेज दिया, मैं उनमें से 2 डेज और कट कर रहा हूं, आपको तो 13 डेज पीरियड में देता हूं, पाकिस्तान को तो मार दो पीट दो खत्म। लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ने तो काम शुरू किया। 4 दिसंबर 1971 से इंडियन आर्मी ने अटैक शुरू किया पाकिस्तान पर, और आप जानते हैं 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी। आप जरा कैलकुलेट करिए, 4 दिसंबर को अटैक शुरू किया इंडियन आर्मी ने और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया, तो 15 डेज से भी कम हो। विदिन 12 डेज इंडियन आर्मी ने तो पाकिस्तान को खत्म कर दिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे, वो पूरा का पूरा टेक ओवर है। जब ईस्टर्न पाकिस्तान को हमारे कंट्रोल में आया और एक दूसरा बहुत बड़ा काम और हुआ, वो बहुत हिस्टोरिकल दौर था इंडियन आर्मी के लिए। पाकिस्तानी आर्मी के 94,000 सोल्जर्स को जनरल करियप्पा ने तो बंदी बना दिया, हाथ बांध कर गए थे दिल्ली में लाकर उनका परेड कर। उस समय क्या हुआ था, एक प्रॉब्लम हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी चीफ था एक, उसने तो एक दिन बोस्टिंग किया, पाकिस्तान को दोस्ती कर रही तो बहुत आदत है, हम ऐसा कर देंगे हम वैसा कर देंगे, अभी आप देखते हैं परवेज मुशर्रफ दोस्त नहीं करता, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे तो दोस्ती करना उनका पुराना तो उनका नेचर है पाकिस्तान में, 5 पैसे का काम करना और 1 रुपए का बोलना, ऐसा उनका तो बोलना। तो एक दिन दोस्ती किया एक पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ने और उसने कहा कि हम तो विदिन 2 वीक दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे। एक दिन उसने ऐसा बोला। अभी इसका तो अर्थ क्या होता है वो आप समझिए, जब भी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ने ये कहा कि विदिन 2 वीक हम दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे, इसका अर्थ ये है कि विदिन 2 वीक हम पूरे इंडिया को जीत लेंगे और दिल्ली हमारा होगा, तो हम दिल्ली को मेरे पास करेंगे। जब भी उसका ये स्टेटमेंट हुआ तो एक न्यूज पेपर भारत में पब्लिश होता है जिसका नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें तो प्रेस स्टेटमेंट आया पाकिस्तानी आर्मी चीफ का, जनरल करियप्पा
उन्होंने उसका कटिंग करके अपने फाइल में रख लिया। जनरल करियप्पा ने लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को कहा कि देखो ये आर्मी चीफ ब्रेकफास्ट दिल्ली में करना चाहता है, इसकी आप व्यवस्था कर दे। और इसको बताना कि दिल्ली में ब्रेकफास्ट कैसे होगा। जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को पराजित कर दिया तो 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप सिंह अरोड़ा ने उस पाकिस्तानी आर्मी चीफ को तो हैंड कफ करके हथकड़ी लगाकर ऐसे पांडे को करके पांडे लाल में पेश कर दिया कि लेंगे इसको मैं ब्रेकफास्ट के लिए लाया। अब करियप्पा ने आर्मी चीफ को पूछा कि तुम ब्रेकफास्ट दिल्ली में करना चाहते थे ना, अभी हम तुमको दिल्ली ले जाए और तुमको तिहाड़ जेल में ब्रेकफास्ट कर। अभी उसको जब वो दिल्ली लेके आए 16 दिसंबर के नेक्स्ट 17 दिसंबर को, तो उसका तो हाथ को ऐसे बंद था। जनरल करियप्पा ने उसके सामने प्लेट रख दिया, उसमें कुछ ब्रेड था, बटर था और गांधी को ब्रेकफास्ट। तो आर्मी चीफ ने कहा तो मेरे तो हाथ बंद है, तो ऐसे करो जैसे पशु करते हैं वैसे करो। तो कहने का अर्थ यह था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ह्यूमिलिएट करना था कि तुम कितना दोस्ती करते, तुम्हें ताकत तो कुछ ही नहीं और दोस्ती ऐसे करते हो कि हम दिल्ली जीत लेंगे, हम पूरे भारत को अपने जेल में रख लेंगे, भारत को कोई ऐसा छोटा देश है जिसको तुम कभी भी जीत लोगे। तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का जो मॉरल था वो तो पूरी तरह से टूट गया। पाकिस्तानी आर्मी जो टोटल उस समय थी 2 लाख सोल्जर्स थे पाकिस्तानी आर्मी, उसमें से 94,000 सोल्जर्स को इंडियन कंट्रोल में आ गए और 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को युद्ध के मैदान में मर गए। तो पाकिस्तानी आर्मी का 50% तो सोल्जर्स को था। फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान का उस समय प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। जब भी पाकिस्तान पूरी तरह से पराजित हो गया, ईस्टर्न पाकिस्तान इंडियन कंट्रोल में आया, तो नितिन गांधी ने जनरल करियप्पा को पूछा कि क्या करना है अभी ईस्टर्न पाकिस्तान का। तो जनरल करियप्पा ने कहा कि आपको इसका डिसीजन करिए, इसका तो मैं कोई आपसे बात नहीं करता, आप चाहें तो इसको भारत में मर्ज कर लीजिए और बंगाल में इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि वो एक्चुअली बंगाल का ही पोर्शन है ईस्टर्न पाकिस्तान, क्या आप चाहे जैसा करें। तभी उस समय क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान में एक मुस्लिम लीडर था, उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। उसने नेहरू गांधी को अपील किया कि आपको हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दी। तो नेहरू गांधी को दया आ गई, उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इस तरीके से तो ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, आज वो बांग्लादेश। अभी थोड़े दिन में वो आगे भी दिखाता है, ये बांग्लादेश हमने पैदा किया। और अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले आपको तो मालूम होगा हमारे आर्मी के कुछ जवानों को बांग्लादेश आर्मी के जवानों ने धोखे से मार दिया और उनका जो डेड बॉडी था वो डंडे पर रखा था, तो इंडियन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर तो आके छोड़ा, वो शायद 3 रात सबने देखा हो, लास्ट ईयर ऐसा हुआ। तभी मुझे याद आया कि मुझे गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसको बांग्लादेश बना दिया। अच्छा होता कि उसको बंगाल में मंच कर दे और ग्रेटर बंगाल हो जाए, कम से कम हमारा एक दुश्मन तो नहीं होता। लेकिन अब वो बांग्लादेश छोटा सा बच्चा भी हम उसको दुश्मन ही करने की कोशिश कर, ऐसी दूसरा भी क्या हुआ कि जब बांग्लादेश तो हो गया, पाकिस्तान का तो एक बहुत बड़ा पोर्शन तो कट हो गया, अलग हो गया, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने रोना शुरू किया और वो अमरीका के पास है। अमरीकन प्रेसिडेंट था, उसका नाम था रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन के पास ये लगा भुट्टो और रोने लगा कि हमारे
24,000 सोल्जर तो भारत के कंट्रोल में है, आप उनको तो वापस दिलवा दो। ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि जब भी इसकी पिटाई होती है तो अफ्रीका के पास चला जाता है। कभी भी पाकिस्तान कोई प्रॉब्लम में आता है तो अमेरिका के पास चला जाता है। तो जब पाकिस्तान अमेरिका के पास गया 1971 में, तो रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को ये कहा, आप डायरेक्ट बात करें। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को लगा कि आप क्यों नहीं बात करेंगे, उसने कहा कि मैं बात नहीं करता क्योंकि गलती आपकी थी, मैं तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना था। तो भुट्टो ने मिसेस गांधी को अप्रोच किया और मिसेस गांधी को कहा कि अभी मैं माफी मांगता हूँ आपसे, गलती मुझसे हुई, अटैक मैंने किया था और मुझे टेम्पटेशन था, लालच था कि मैं कश्मीर को ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो मेरी ब्लंडर थी, मिस्टेक थी। अब मैं एडमिट कर रहा हूँ आपको हमारे 94,000 सोल्जर को तो दे दो। श्रीमती गांधी ने कहा कि वो एग्रीमेंट के करने के फॉर्म तो नहीं होते, आप एग्रीमेंट करो। तो भुट्टो तो आ गया, तैयार हो गया कि हाँ जी आप एग्रीमेंट कर सकते। तो मिसेस गांधी ने कहा कि एग्रीमेंट जो होगा तो वो भारत में होगा, कहीं बाहर नहीं होगा, क्योंकि मिसेस गांधी को मालूम था कि शास्त्री जी जब एग्रीमेंट के लिए बाहर गए तो उनके साथ तो धोखा हो गया। तो मिसेस गांधी ने भुट्टो को भारत में बुलाया, शिमला नाम का एक सिटी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, वहां पर भुट्टो के साथ बातचीत हुआ और भुट्टो ने मिसेस गांधी को रोते हुए ये कहा, लिटरली रोते हुए कहा कि मुझे पाकिस्तान के लोग मार डालेंगे अगर आपने सोल्जर को वापस नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग मुझसे नाराज और पाकिस्तानी आर्मी में बगावत हो गई, मेरे जो रिवोल्ट हो गए। और उसने मिसेस गांधी को ये कहा कि आप चाहो तो मुझे यहीं पर मार दो, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता जब तक मेरे सोल्जर मुझे नहीं मिलते। तो मिसेस गांधी ने कहा कि अभी अटैक क्यों किया था आपने, तो उसने कहा बोलन नहीं हो, मैं मानता हूँ माफ कर दी। मिसेस गांधी ने अपने भुट्टो को माफ किया, भुट्टो ने मिसेस गांधी से एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट का नाम है शिमला एग्रीमेंट। और शिमला एग्रीमेंट में भुट्टो ने मिसेस गांधी को ये कहा कि हम कभी भी भारत राष्ट्र पर हमला नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जैसे 65 में कहा, 72 में कहा, उसके पहले 1949 में कहा, तो पाकिस्तान हमेशा ही क्या था भारत पर हमला नहीं करे, हर बार तो ऐसी एग्रीमेंट है। तो मिसेस गांधी के बाद जब ये एग्रीमेंट हो गया तो भुट्टो को उन्होंने माफ करते हुए, उसको समाधान करते हुए, उसको एक्चुअली जीवन दान किया और 94,000 सोल्जर को वापस दे दिया। और भुट्टो जब भी वापस गया कराची लौटा तो उसके विरुद्ध तो आर्मी में बहुत बड़ी बगावत हो गई और आर्मी ऑफिसर्स ने भुट्टो को तो गलती से उतार दिया, रिपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट उसकी टॉपर हो गई, उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया। फिर उसके अगेंस्ट को कुछ केस हुआ और वो एक केस था बड़ा फेमस, भुट्टो का काफी पैसा तो भ्रष्टाचार में उसने बनाया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी नेता था ग्रंथिकारी भुट्टो, और भ्रष्टाचार में उसने जितना भी पैसा बनाया वो स्विस बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। पाकिस्तान में एक कानून है कि अगर पाकिस्तान का कोई नेता कोई भी लीडर भ्रष्टाचार में पैसा बनाता है और उसका कंक्लूसिव एविडेंस अगर मिलता है तो उसको फांसी हो जाए, ये हो गया कानून। तो भुट्टो के अगेंस्ट एविडेंस जब भी मिल गए तो पाकिस्तान के जो आर्मी के ऑफिसर थे उन्होंने तो भुट्टो को फांसी दे दिया और भुट्टो को मर्डर कर दिया। उसके बाद आर्मी चीफ जो था वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो गया और इस तरीके से तो खेल चलता रहा। 1987 में भुट्टो की जो बेटी है बेनजीर भुट्टो वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हो गए और उसने प्राइम मिनिस्टर होने के बाद वही गलती किया जो उसके बाप ने गलती है। 87 में उसने कश्मीर को अटैक किया, तभी भारत सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, उन्होंने एक
इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया और पाकिस्तान को पराजित होना पड़ा। फिर उसके बाद 1999 में नवाज शरीफ जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हुआ तो उसने फिर से कारगिल में अटैक करके कश्मीर को लेने का प्रयास किया, लेकिन 99 कारगिल वॉर में भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान को पराजित होना पड़ा। हर बार तो पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट जब आता है तो वो कश्मीर को लेने की जरूर कोशिश करता जो भी मेरा प्राइम मिनिस्टर आता, और हर बार उसको ऐसा लगता है कि हम कश्मीर को टेक ओवर कर लेंगे, भारत से ले लेंगे, और इसके लिए तो वो अटैक करते हैं। लेकिन पाइप लाइन सर्वे करने के बाद भी कश्मीर हमारा है और आगे भी रहेगा, वो जाने वाला नहीं है। पाकिस्तान कभी कश्मीर हमसे नहीं ले सकता और कश्मीर भी कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि कश्मीर की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, वहां के जो नागरिक है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि हमको पाकिस्तान में नहीं रहेंगे तो अभी क्या करना। तो वहां एक प्रॉब्लम हो गई और वो प्रॉब्लम ये हुई कि पाकिस्तानी आर्मी ने फिर एक नया वो गेम शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि हम और नहीं करेंगे, हम सॉफ्टी वॉर करेंगे। अब वॉर और प्रॉक्सी वॉर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, होता ये है कि जब भी वॉर होता है तो आमने सामने तो आपको लड़ते हैं, प्रॉक्सी वॉर जब होता है तो आपको तो पीठ पीछे से तो वॉर करना होता है, आपको धोखा देते हैं, सामने वाले को चीट करते हैं, वो ईमानदारी से कभी नहीं होगा, बेईमानी से तो होगा। पाकिस्तानी आर्मी ने प्रॉक्सी वॉर का जब डिसीजन किया तो प्रॉक्सी वॉर को करने के लिए उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आर्मी तो प्रॉक्सी वॉर नहीं करता कभी भी, आर्मी तो वॉर ही कर सकता है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्रॉक्सी वॉर करने के लिए और कश्मीर नाम के स्टेट को वापस भारत में लेने के लिए कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तो पैदा किया, कुछ बड़े उत्पादक संघों को पैदा किया, और जो भय उत्पादक संघों को उन्होंने पैदा किया उन्हीं का नाम है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऐसे तो 23 ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो 23 ऑर्गेनाइजेशन है इनको तो पाकिस्तान ने कश्मीर में तो लगा दिया, कश्मीर बॉर्डर पर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब होता क्या है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत राष्ट्र का अंग है वहां पर पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग कैंप होता और 137 ट्रेनिंग कैंप वहां पर चलते और वहां पर तो थाउजेंड्स ऑफ टेररिस्ट को ट्रेनिंग होता राउंड द क्लॉक, और वहां से वो ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं और कश्मीर में आकर तो प्रॉक्सी वॉर को करते। प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है, रेलवे स्टेशन को अटैक करना, बस स्टैंड को अटैक करना, सिनेमा हॉल को अटैक करना, किसी स्कूल को अटैक करना, हॉस्पिटल को अटैक करना, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको तो भंग किया देना, और जो अपराध नागरिक हैं जिनका कोई कसूर नहीं है ऐसे नागरिकों को गोली से मार देना, इस तरह का तो काम शुरू हुआ है। और ये सारा का सारा काम जब से शुरू हुआ 1981 से तो इस तरह से शुरू किया पाकिस्तान ने, और अभी 2001 तो हो गया, इतने 20 वर्षों में 1981 से 2001 तो 20 ईयर्स कंप्लीट हुआ, कितने दिनों में तो भारत राष्ट्र के 55,000 नागरिकों को तो बलिदान होना पड़ा। और मैंने आपसे कहा कि वो कैसे बलिदान होते हैं, कभी पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं किसी रेलवे स्टेशन को अटैक कर देते हैं, कोई बस स्टैंड को अटैक कर देते हैं, सिनेमा हॉल को अटैक कर देते हैं, हॉस्पिटल को अटैक कर देते हैं, स्कूल कॉलेजेस को अटैक कर देते हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर वो ऐसा कर देते हैं, कभी जम्मू कश्मीर असेंबली को अटैक कर देते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि जो मार्केट है मार्केट में आते हैं और मार्केट में अटैक कर देते हैं, ऐसा तो होगा। और फिर
35,000 जो भारतीय नागरिक अभी तक बलिदान हो चुके हैं, उन भारतीय नागरिकों में 50% आर्मी पर्सनल, बीएसएफ पर्सनल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल, हमारे आर्मी के जवान, पुलिस ऑफिसर, लोकल सिक्योरिटी ऑफिसर, ऐसे तो लोग उसमें, और जो 50% है बाकी जो बचे हुए वो तो भारतीय नागरिक। अब इसमें तो दो बड़े लॉस हो चुके हैं, 55,000 सोल्जर और हमारे सिटीजन, उनका जब भी बलिदान हुआ उसके भी अतिरिक्त 1,00,000 करोड़ रुपए की हमारी नेशनल प्रॉपर्टी लॉस हुई जम्मू काश्मीर। और ये जो प्रॉपर्टी लॉस हुआ है उसके तो कारण जम्मू काश्मीर का जो सिविल लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। इतना ज्यादा जो वहां पब्लिक लाइफ में प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो पूरे भारत राष्ट्र में जाता हूँ, जम्मू काश्मीर भी जाता हूँ, जब भी मैं जम्मू काश्मीर में जाता हूँ तो वहां मैं देखता हूँ कोई भी नागरिक रात में सो नहीं सकता, सभी को भय रहता कि कहां से तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आएंगे और कहां से तो शूट करेंगे। जो बॉर्डर के जो गांव है, पाकिस्तान बॉर्डर जो भारत बॉर्डर जहां पर गांव है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया के गांव बोलते हैं, फुल सेक्टर में, राजौरी में, सांबा सेक्टर में, वहां पर तो कोई भी नागरिक रात को नहीं सोता, कोई भी नहीं सोता, सभी को रात्रि में तो नहीं सोने की आदत हो गई, वो तो रात्रि में बैठ के तो सिर्फ इंतजार करते हैं कि कभी तो दिन दिखेगा, ऐसी कोई स्थिति। और सबसे सीरियस प्रॉब्लम वहां क्या हो गया है, काश्मीर के जो गांव है वहां के तो बच्चे कभी स्कूल में नहीं जाते क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको तो हमेशा ये डर होता है कि कभी टेररिस्ट का अटैक हुआ, स्कूल बिल्डिंग अगर टूट गया तो बच्चों का तो बलिदान होगा, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जाते, हॉस्पिटल बंद रहते, हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आते, डॉक्टर के क्लिनिक भी बंद रहते, क्लिनिक क्यों नहीं। और जो वहां के मार्केट हैं वो तो कभी भी खुलते हैं और कभी भी बंद होते हैं, ऐसी कंडीशन है। तो नॉर्मल लाइफ तो वहां कुछ नहीं। और उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब भी मन में भय होता है तो उससे तो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है और वो है हार्ट अटैक। जितना स्ट्रेस होगा आपके मन में, जितना भय होगा आपके मन में, उतना ही आपका ब्लड प्रेशर को वेरिएशन में आता है और हार्ट अटैक तो होता है। अभी काश्मीर में भारतीय नागरिकों को सबसे ज्यादा तो मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। फिर उसके बाद तो जब भी बम गिरता है कोई, उनके ऊपर शूटिंग होता है, गोली से मारते हैं, तभी उसमें उनकी मृत्यु होती है। ऐसा तो वहां पर हो गया। अभी ये जो इतना सारा प्रॉब्लम हमारे देश में हो गया इसके बारे में पिछले कई वर्षों से भारतीय सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के तो जो चीफ है उन्होंने तो एक रिपोर्ट बनाया कि ये जो कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट करते हैं इनको जो खर्चा कहां से आता है, पैसा कहां से आता है, इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। तो अभी उससे तो माहिती मिला कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। और कितना सपोर्ट करता है, हर ईयर प्रत्येक वर्ष में पाकिस्तानी सरकार भारत के जो भय उत्पादक संघ हैं उनको 18,000 करोड़ रुपीज देता। अब 18,000 करोड़ रुपीज जब पाकिस्तान को देता है भय उत्पादकों को, तो उतने सारे पैसे से वो भारत के ऊपर तो ये सारा खेल खेलते हैं, उसी से वो AK-47 राइफल परचेज करते हैं, उसी से तो वो बम परचेज करते हैं, उसी से तो वो सारे तो काम करते हैं। सारा तो ये पाकिस्तानी सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, मिलिट्री सपोर्ट है, उसके आधार पर तो ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हैं। और उसी पाकिस्तानी सपोर्ट को लेकर 13 दिसंबर 2001 को जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने तो पार्लियामेंट को अटेंड कर लिया।
अब प्रश्न ये है कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे भारतीय नागरिक उनको पूछते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहते। मेरा अपना ओपिनियन है कि अभी हमें पाकिस्तान से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1949 से तो हम बात करते हैं, एग्रीमेंट करते, शांति का एग्रीमेंट करते, अहिंसा का एग्रीमेंट करते, लेकिन बदले में पाकिस्तान को हमेशा अटैक करते। हमने 99 में लाहौर एग्रीमेंट किया तो कारगिल अटैक हुआ, 87 में हमने इस्लामाबाद एग्रीमेंट किया तो सियाचिन अटैक हुआ, उसके पहले हमने एग्रीमेंट किया 66 में ताशकंद एग्रीमेंट तो 71 में अटैक हुआ, 72 में एग्रीमेंट किया तो 87 में अटैक। जब भी हम शांति की बात करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान को अटैक करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को अभी पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए और इंडियन आर्मी को फ्री हैंड होना चाहिए कि ये तो पूरे पाकिस्तान को अगर तोड़ना हो तो पूरे पाकिस्तान को तोड़ना, इंडियन आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए। अभी तक क्या हुआ है, हमेशा से इंडियन आर्मी ने डिफेंस किया, अटैक नहीं किया। हम हमेशा डिफेंसिव एक्शन में आते और पाकिस्तान ऑफेंसिव। जब भी अटैक हुआ 47 में, 65 में, 71 में, 87 में, 99 में, हमेशा अटैक को पाकिस्तान ने इनिशिएट किया, हमने अपने आप को डिफेंड किया, बचाव किया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमें ऑफेंसिव होने की जरूरत है और हमें पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए। और कहाँ अटैक करना चाहिए, सबसे पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल में जहाँ टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं उनको सब अटैक करना चाहिए, क्योंकि जहाँ टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं वहाँ थाउजेंड्स ऑफ टेररिस्ट को जो ट्रेन किया जाता है और भारत में तो उनको भेजा जाता है, यदि भय उत्पादकों का उत्पादन जहाँ पे हो रहा है उसको तो हम अटैक कर देंगे, एम्बुश करेंगे, बम मार देंगे, तो ट्रेनिंग सेंटर बंद होंगे और फिर उनका तो आगे का डेवलपमेंट रुकेगा, एक तो वो करना चाहिए। दूसरा तो हमें अपना जो पाक ऑक्युपाइड काश्मीर है वो वापस लेना है और उसके लिए भी अटैक कर। जब पाक ऑक्युपाइड काश्मीर भारत में वापस आएगा तो पाकिस्तानी आर्मी को एरिया को वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, और यदि पाकिस्तानी आर्मी वहां से विड्रॉ कर जाएगा तो हमें जरूरत होगी यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन भी हम फॉलो करें, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड काश्मीर का एक भी नागरिक पाकिस्तान में जाने को तैयार है, एक भी सिटीजन पाकिस्तान जा सकते, वो तो भय की ताकत से, आर्मी की ताकत से पाकिस्तान ने उनको कंट्रोल किया हुआ है। जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी वहां पर विड्रॉ करेगी वो सभी वापस कश्मीर में आने को जाएगा। कारण उसका ये है कि 55 ईयर से पाकिस्तान के कंट्रोल में है और वहां डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, पाक ऑक्युपाइड काश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, गाँव में तो बिजली नहीं है, अभी भी 11 दिन को तो यूज करके लोग अपना काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का उनका कोई फैसिलिटी है ना, बसेज है वहां पर पाक ऑक्युपाइड काश्मीर में, ट्रेन है, पर्सनल गाड़ियां भी नहीं है, कोई रोड नहीं है, वहां ट्रांसपोर्टेशन का तो एक ही साधन है जो गधा है, उस गले पर बैठ के ही लोग जाते हैं और उनके पास दूसरा कोई ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन नहीं, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। पाक ऑक्युपाइड काश्मीर में जब कोई बीमार होता है तो उसको पाकिस्तान के दूसरे शहर में ले जाकर एडमिट कराना होता है, पाक ऑक्युपाइड काश्मीर में कोई हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर भी नहीं, तो उनको इतने प्रॉब्लम थे वहां के नागरिकों को, वो बार बार कहते हैं कि हमको यहाँ नहीं रहना चाहते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो उनको डराती है, भय दिखाती है, वहां पर पूरी आर्मी ने अपना तो वो बना रखा है, बंकर बना रखते हैं, कभी भी वहां के लोगों को डर रहता है कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए तो वो डर के मारे, भय के मारे तो चुप होकर रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारत देश की आर्मी को जो काम करने चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के जितने टेररिस्ट सेंटर हैं उनको तोड़ देना,
करना, उन पर बम मारना, मिसाइल से ब्लास्ट करना और आग उनका काश्मीर को वापस भारत में तो लेना। तो कोई लोग कहते हैं कि इससे पुलिस के लॉ हो जाएगा, हो जाएगा, उसके लिए डरना क्या? हमने तो कभी बॉल दिया नहीं आज तक, पाकिस्तान ने दिया और पाकिस्तान ने बार बार बॉल दिया तो भी वो पराजित हुआ। यदि हम बॉल करेंगे तो क्या होगा? हम करना अगर तो पुलिस के लॉ होगा तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन आर्मी सफिशियंट है पाकिस्तान को पहुंच चलाने का। और इस बार अगर पुलिस के इन्वॉल्व होगा तो इसमें तो सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो ये कि हम अगर पाकिस्तान को अटैक करेंगे तो पाकिस्तान का एक दुश्मन देश पैदा हो जाएगा, उसका नाम है अफगानिस्तान, वो भी अटैक करेगा। क्योंकि अफगानिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है हामिद करजई, उसने तो अभी एक दिन स्टेटमेंट किया कि मुझे पाकिस्तान से पुराना हिसाब तो पूरा करना है। अभी पुराना हिसाब क्या है उसका आपको तो शायद मालूम नहीं है। पाकिस्तान का एक राज्य है जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं, NWF। ये तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये बेसिकली अफगानिस्तान का, लेकिन इसमें पाकिस्तानी कंट्रोल है। तो जो अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अभी बना है हामिद करजई, वो ये कह रहा है कि अगर भारत के आर्मी ने अटैक किया तो मैं पाकिस्तान को अटैक करूंगा और मेरा पास वापस ले लूंगा। तो पाकिस्तानी आर्मी को तो इतना डर है कि उनका 50% डिप्लॉयमेंट इंडियन बॉर्डर में है और 50% अफगानिस्तान बॉर्डर पर। और इस समय पाकिस्तानी आर्मी डिवाइडेड है, पूरा आर्मी यहाँ नहीं है इंडियन बॉर्डर, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अफगानिस्तान अटैक कर सकता है और अफगानिस्तान को बहुत घृणा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में छोटा छोटा बच्चा भी पाकिस्तान को गाली देता है। किसी अफगानी बच्चे से आप पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो इतना नाराज है कि वो आपको तो कूद सकता है अगर आपने पाकिस्तान की बात किया। पूरे अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान कैंपेन चल रहा, तो वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कभी भारत का आर्मी अटैक करेगा और कभी हम अटैक करेंगे, और दोनों तरफ से अगर अटैक हुआ तो पाकिस्तान को बचने वाला नहीं है। जिसमें होगा क्या अल्टीमेटली कि पाकिस्तान जब भी दो तरफ से युद्ध लड़ेगा तब तो और जल्दी हारेगा। वन साइडेड में वो कभी नहीं जीत पाया, तो दो तरफ से जब दुश्मन आएगा तो और भी प्रॉब्लम होगा। और हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान से कट हो जाए और वो अफगानिस्तान में चला जाए। अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अफगानिस्तान में चला गया तो पाकिस्तान का एक दूसरा राज्य है जो सिंध है वो भी अलग होने की बात करता, वो कहता हम भी पाकिस्तान चले गए। क्योंकि जो सिंध प्रोविंस है उसमें जो मेजोरिटी लोग हैं वो भारत में आने की बात करते हैं, वो कहते हैं हम तो भारत में जाने वाले, और वो कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता से मिलती है। ये जो सिंध प्रोविंस का जो लैंग्वेज है वो वही है जो गुजरात का है, कच्छ का। गुजरात में कच्छ नाम का एक एरिया है, वहां की भाषा है कच्छी और सिंधी, दोनों एक। जो कच्छी भाषा है वो भी सिंधी। तो कच्छ की जो कल्चर है, कच्छ का जो सिविलाइजेशन है वो ही सिंध का। तो सिंध वाले कहते हैं कि हम तो भारत में जाएंगे, तो सिंध भारत में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अफगानिस्तान में चला जाएगा, पाकिस्तान में रहने वाला है। तो इस बार अगर हम अटैक करेंगे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की आर्मी को अभी अटैक करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राजीव भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो होगा क्या फर्क पड़ता है इसके पास न्यूक्लियर, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हमारे पास थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब, वो न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 times से ज्यादा काम करता है। जब न्यूक्लियर बॉम्ब को आप यूज करते हैं और उसका तो जो एरिया है, अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर
मीटर बंधन से 50 किलोमीटर रेडियस का उसका एरिया है। तो जब भर्ग न्यूक्लियर बॉम्ब आप यूज करते हैं तो उसका तो 2000 किलोमीटर का एरिया। तो हम अगर एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे तो पूरा पाकिस्तान ही पास हो जाए, ये उसको मालूम है। कराची को देश बनाकर या इस्लामाबाद को देश बनाकर अगर एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब हमने गिरा दिया तो पाकिस्तान को कहीं रहने वाला नहीं है, ये उनको मालूम है। इसलिए तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब कभी यूज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और दुनिया में पिछले 55 वर्षों में 1945 के बाद बहुत सारे राष्ट्रों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसकी जगह भी यूज थी। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो डराने के लिए होता है, यूज करने के लिए। जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब की बात होती है तो वो एक थ्योरी है, वो भय पैदा करने के लिए है, एक्चुअल यूज नहीं होता। अगर एक्चुअल यूज होता तो 1945 से 2001 तक 325 बॉम्ब हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, और किसी भी वॉर में यूज नहीं हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब। जबकि अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, और अमेरिका चाइना के अलावा ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास है, हमारे पास तो अभी है, पाकिस्तान के भी पास है, लेकिन कभी भी यूज नहीं हुआ। 325 बॉम्ब हुए हैं आफ्टर 1945 और बिफोर दिसंबर 2000 तक कभी भी यूज नहीं हुआ। तो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने के लिए नहीं होता है, वो डर पैदा करने के लिए होता है। एक बहुत नर्स होता है उसको जीतने के लिए होता है। तो हमें तो इसमें डरने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और मुझे डाउट है इसमें कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। क्यों ये डाउट मुझे इसलिए है कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट का उतना कैपेसिटी नहीं। आप पूछेंगे क्यों नहीं है, मैं आपको एक घटना बताता और आपको तो अभी उसका प्रमाण देता। अभी पाकिस्तान के 2 मेजर न्यूक्लियर साइंटिस्ट जेल में बंद है, अमेरिकन ऑर्डर थे, उनको तो जेल में बंद किया गया। वो दोनों न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जेल में क्यों बंद किया गया? 1994 से वो लगातार ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर दे रहे थे। 94 से जब भी अमेरिका ने उनको जेल में बंद कराया और उनको पूछा कि आपने ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, तो उसका न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का थ्योरी दिया। अब थ्योरी में क्या होता है, बाद में ओसामा बिन लादेन ने दोनों साइंटिस्ट को कहा कि आप मेरे पास आकर जॉब करो, मैं आपको जो सैलरी दूंगा आपको बम बना के दे दूँ, जोड़ी से मुझे कोई मतलब। तो दोनों साइंटिस्ट ने 1994 में पाकिस्तान छोड़ दिया और ओसामा बिन लादेन के पास जाकर रहने लगे अफगानिस्तान, और 94 से लगातार वो काम कर रहे थे, लेकिन आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाए और ओसामा बिन लादेन को नहीं दे पाए। जब वो 6 ईयर्स में ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं दे सकते और वो पाकिस्तान के मेजर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, तो मुझे डाउट है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि वही साइंटिस्ट तो पाकिस्तान में काम कर रहे थे। अगर वो ओसामा बिन लादेन को नहीं दे सकते तो पाकिस्तान को भी नहीं दे सकते। तो आप पूछेंगे 98 में पाकिस्तान ने एक्सप्लोजन तो किया है, वो एक्सप्लोजन चाइनीज साइंटिस्ट ने किया पाकिस्तान से, पाकिस्तान के एक्सप्लोजन ने 98 में जो पाकिस्तान में एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ वो चाइनीज साइंटिस्ट ने किया है पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट ने किया तो पाकिस्तानी आर्मी को तो डर पैदा हो गया, पाकिस्तानी नागरिकों को डर पैदा हो गया कि भारत के पास तो एटॉमिक बम है। तो पाकिस्तानी आर्मी को मेंटली बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइना को तो रिक्वेस्ट किया कि आपको हमारे लिए एक्सप्लोजन कर दो तो हमारी आर्मी को तो थोड़ा शांति हो जाएगी, नहीं तो ये तो ऐसे ही मर जाने वाले रहेगा। इसलिए चाइनीज साइंटिस्ट ने पाकिस्तान में आकर एक्सप्लोजन किया। और मैं आपको एक दूसरी सीरियस बात और कहना चाहता हूँ, कोई एटॉमिक बम का एक्सप्लोजन होना और एटॉमिक बम को एज ए वेपन यूज करना, दोनों में तो बहुत डिफरेंस है, बहुत वास्ट डिफरेंस। आप एटॉमिक एक्सप्लोजन को इजीली कर सकते हैं,
उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटॉमिक बम को यूज करना हो तो हाईली कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, वो तो सभी यूज नहीं करता, और उसको यूज करने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर पाकिस्तान के पास नहीं। आज तक तो पाकिस्तान अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगता रहा, लेकिन अमेरिका ने दिया नहीं उसको। बिना सुपर कंप्यूटर के तो आप उसको तो कुछ नहीं हैंडल कर सकते। भारत ने तो 95 में ही सुपर कंप्यूटर बना दिया, और अभी हमारे पास 47 सुपर कंप्यूटर है, एक मिनट 47। तो हम यूज कर सकते हैं कि अमेरिका हमें जानता, यूरोप भी जानता। तो अभी क्या हुआ है कि ये हमें मन से भय निकालना चाहिए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता, मुझे डाउट है कि वो कर सकता। और अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता तो अभी तक उसने अफगानिस्तान में यूज कर लिया होगा, क्योंकि ने पाकिस्तान का जवाब भाई उसको तो पिटता हुआ देखने से अच्छा और न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर ओसामा बिन लादेन ने तो सपोर्ट है, और आपको तो मालूम है ओसामा बिन लादेन ने भी दोस्ती किया था कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे, ऐसा कर देंगे, अमरीका को तबाह कर देंगे, समाप्त कर देंगे, एंड्रेस है हमारे पास, ऐसा है वैसा है। और आप देख रहे हैं कि अभी तो ओसामा बिन लादेन को एक ही तरह से इन्हीं की तरह से भाग रहा है, एक राउंड में दूसरा दूसरे से तीसरा। ओसामा बिन लादेन तो अभी शिजोफ्रेनिया का शिकार हो चुका, कोई भी गाँव में तो एक नाम नहीं ले सकता, क्योंकि पता नहीं कभी बंद मिलेगा। आप बोलो जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा वो ऐसे चूहे की तरह से भागेगा? अगर होता न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के पास तो ओसामा बिन लादेन को दे सकते थे, नहीं पर उनके पास वो चाइना ने उनको तो थोड़ा सपोर्ट कर दिया, क्योंकि चाइना तो कई बार भारत से तो दुश्मनी करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता, तो इसलिए तो वो ऐसा हो गया। इसलिए तो ये मन से आप भय निकाल दीजिए कि हमें तो कोई पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब दिला देगा। और बाइडन ने अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश की उसके पहले तो हमारा थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब उनके ऊपर गिर जाएगा, जो उसको मालूम है। और हमारे पास जो मिसाइल है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बॉम्ब गिराने के लिए सफिश है, 5000 किलोमीटर तक दूर की मार करने वाला मिसाइल हमारे पास, और पाकिस्तान के किसी भी गांव को दूर गांव में भी हमको अटैक कर सकते हैं, ये तो पाकिस्तान को मालूम है। इसलिए तो बहुत हिसाब से चिंतित है, और इसलिए अभी परवेज मुशर्रफ रोज बात करता है, शांति चाहिए, समझौता चाहिए, वार्ता करनी है। आपको रोज देखो ना परवेज मुशर्रफ को भी कहा क्योंकि आपने बातचीत करनी है, आईलैंडर्स को रिलेशन बनाने हैं, अगर ज्ञान को तो हाथ मिलाना है, नहीं मिलाएंगे तो भी जबरदस्ती मिलाना है। तो ये सभी नाटक क्यों करता है परवेज मुशर्रफ? ये नाटक इसलिए करता है कि अगर बिहारी थोड़े नाराज है तो उनको थोड़ा शांत करना है, नहीं तो मुश्किल हो सकती है उनको, क्योंकि आर्मी को थोड़ा भी इशारा हुआ तो पाकिस्तान के लिए तो तबाही आ सकती है इस बार, ये वो जानते हैं। अभी इसने एक और तीसरा एंगल है जो हमें समझना चाहिए कि जब भी हमारे देश में अटैक हुआ 31 दिसंबर 2001 तो हमने सेल्फ डिफेंस में अटैक करने का राइट है, लेकिन अमेरिका हमको कह रहा है कि यू शुड रिस्ट्रेन योर सेल्फ, आप अटैक मत करो, अमेरिका बार बार यही है। और अमेरिका के अलावा टॉनी ब्लेयर भी कह रहा है, और वो अभी आकर गया और यही बोलने आया था कि आप अटैक मत करो, तो आप पूछोगे तो अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है, क्यों कह रहा है अटैक नहीं करो, ब्रिटेन को क्या प्रॉब्लम है, भारत को क्यों बोलते हैं यू शुड रिस्ट्रेन योर सेल्फ? तो अमेरिकन प्रॉब्लम ये है कि इस समय अमेरिकन आर्मी पाकिस्तान में है, अमेरिकन आर्मी के 10,000 सोल्जर अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में एक गांव है बहावलपुर, वहां पर तो अमेरिकन आर्मी का बेस कैंप है, और ये बेस कैंप उन्होंने अफगानिस्तान को अटैक करने के लिए बनाया। 7 अक्टूबर 2001 से जब अफगानिस्तान अटैक शुरू किया अमेरिका ने, तभी तो पाकिस्तान में आर्मी बेस कैंप बनाकर उन्होंने अटैक शुरू किया। तो अमेरिका
अमेरिकन आर्मी अभी पाकिस्तान में है, और अगर इंडिया ने अटैक किया तो अमेरिकन आर्मी भी उसमें तो आ सकती है करने में, क्योंकि अमेरिका को प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि आपको अपने ऊपर संयम रखो, आपको युद्ध बंद करो। हम तो पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि टेररिस्ट को समाप्त करो, आपको मत अटैक करो, क्योंकि जॉर्ज बुश को डाउट ये है कि अगर इंडियन आर्मी ने मिसाइल को यूज किया तो बहावलपुर तक हमारा जो दिल्ली से डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर है, और हमारे पास मिसाइल 5000 किलोमीटर वाला है, तो बहावलपुर भी अटैक में आ सकता, तो अमेरिकन आर्मी भी उसमें तो भर सकती है, तो जॉर्ज बुश के लिए प्रेसिडेंट रहना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन को नागरिक को बहुत हल्ला करने वाले हैं। तो इसलिए बुश को बहुत प्रॉब्लम है, और वे सुनों से ज्यादा प्रॉब्लम जॉर्ज बुश को, क्योंकि भारत ने अटैक किया तो यह हो सकता। और टॉनी ब्लेयर जॉर्ज बुश का आदमी है, जॉर्ज बुश का लाइफ एंडमैन है टॉनी ब्लेयर, तो जॉर्ज बुश ने कहा कि तुम जाओ और भारत सरकार को कहो कि अटैक नहीं करना, शांति से बात कर। अब आप देखो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी, मोस्ट हिपोक्रेसी कंट्री दुनिया में कोई है तो अमेरिका, और दूसरा तो ब्रिटेन। क्या हिपोक्रेसी है उनका? जब भी उनके यहाँ 11 सितंबर 2001 को उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जब शो किया उस पर अटैक हुआ, तो अमेरिका ने नहीं ये कहा कि वी शुड रिस्ट्रेन अवरसेल्फ, यही बात है। तो अमेरिका ने तो ये कहा कि अभी तो हमें अटैक करना है अफगानिस्तान में, ओसामा बिन लादेन को मारना है, ओसामा बिन लादेन को पीटना है, ये तो उन्होंने बोल दिया। और जॉर्ज बुश ने डिक्लेयर किया 12 सितंबर 2001 को कि मैं तो दुनिया के सभी देशों से एक तो बात पूछना चाहता हूँ, आर यू विद अस और विद ओसामा बिन लादेन, ये मैं तो उसने कहना शुरू किया। तो जब भी अमेरिका पे और उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है तो अमेरिका काउंटर अटैक करता है, तो हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो अमेरिका ये क्यों बोलता है कि जो रेस्टेंट होता है आप अटैक मत करो। ये अमेरिकन डबल स्टैंडर्ड है और हिपोक्रेसी, और ये हिपोक्रेसी अमेरिका पिछले 50 वर्षों से करता है। और क्यों करता है? अमेरिका जानता है कि अगर इंडियन अटैक हुआ तो उसमें अमेरिकन आर्मी तो जा सकती है, दूसरा अमेरिका को ये मालूम है कि अगर इंडिया अटैक हुआ तो पाकिस्तान इस बार समाप्त हो सकता है, तो अमेरिका का एक बहुत अच्छा दोस्त समाप्त हो जाएगा इस सीजन में, ये तो उसको डॉक्टर। इसलिए अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत को तो रोकना जरूरी है, अदरवाइज इंडियन आर्मी ने अटैक कर लिया तो मुश्किल हो जाए। इसलिए तो दिन में कम से कम 1, 2, 3 नहीं तो 10, 12 फोन को श्रीनगर की एनिवर्सरी को करना, आपको अटैक नहीं करना, आपको अटैक नहीं करना। अभी तो मेरा एक दोस्त है वो पीएमओ ऑफिस में काम करता है, एक दिन तो मुझे कहना था कि राजीव भाई जब भी कोई अमेरिका से फोन आता है तो फर्स्ट सेंटेंस यू शुड रेस्ट्रेट योर सेल्फ, ये तो सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई टेप रिकॉर्डर लगा दिया है, उन्होंने वो एक ही सेंटेंस यू शुड रेस्ट्रेट योर सेल्फ, ये क्यों रेस्ट्रेट योर सेल्फ, आपको अटैक मत करो, आपको अपने ऊपर करना, ये तो है। एक और प्रॉब्लम है अमेरिका, अमेरिका को प्रॉब्लम ये है कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो अमेरिका का कुछ काम तो रुकने वाला है। अमेरिका का काम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जब भी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को अटैक करना शुरू किया 7 अक्टूबर 2001, तो आपको ऐसा लगता होगा कि अमेरिका टेररिज्म के अगेंस्ट कोई गौर कर रहा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका जो गौर कर रहा है वो ओसामा बिन लादेन के अगेंस्ट कर रहा है, टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर अमेरिका टेररिज्म के अगेंस्ट कोई गौर करेगा तो सबसे पहला अटैक तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा जो टेररिज्म की अम्मा, क्योंकि सबसे ज्यादा टेररिज्म पैदा करने वाला देश तो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान नाम के देश ने 23 ऑर्गेनाइजेशन पैदा किए भय उत्पादन का काम करने के लिए, अलकायदा उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओसामा बिन लादेन लीड कर रहा है, ऐसे तो 22 और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में। तो अगर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो रहा तो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहिए अमेरिका को,
लेकिन अमेरिका अटैक कर रहा है अफगानिस्तान को, तो आपको समझ लीजिए कि अमेरिका कोई वॉर नहीं करता है टेररिज्म के अगेंस्ट। अमेरिका का पर्सनल में कोई प्रॉब्लम है ओसामा बिन लादेन से, इसलिए तो ओसामा बिन लादेन को मारना था। आपको कभी इस बात को सोचने की कोशिश करो कि दुनिया में तो बहुत सारे टेररिस्ट हैं, सिर्फ ओसामा बिन लादेन को ही अमेरिका को मारना चाहता। जैसे मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, उसको क्यों नहीं अमरीका मारना चाहता? लश्कर ए तैयबा का जो चीफ है सही, उसको क्यों नहीं मारना चाहता अमेरिका? या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो चीफ है, या हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ है, उसको क्यों नहीं मारता अमेरिका? सिर्फ अलकायदा चीफ को ही अमेरिका क्यों मार रहा है? या तालिबान चीफ मुल्ला मोहम्मद उमर को क्यों मार रहा है? उसके पीछे तो एक छोटी हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री ये है कि एक्चुअली ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उमर दोनों अमेरिकन प्रोडक्ट हैं। इन दोनों को अमेरिका ने ही पैदा किया, और कभी पैदा किया 1984 में क्या हुआ था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में रशियन आर्मी ने अटैक किया 1980 में, और 1984 में रशियन आर्मी ने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया, और अफगानिस्तान उसमें डिफीट हो गया, हार गया, पराजित हो गया। तभी अमेरिका ने क्या किया कि अफगानिस्तान ने अपने आर्मी को तो लगा दिया अमेरिका ने, और रशियन के साथ तो उन्होंने बहुत शुरू किया, उसमें अमेरिकन आर्मी को भी डिफीट हो गया, क्योंकि अमेरिकन आर्मी को अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने का अभ्यास नहीं था। अफगान में क्या होता है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं होता है, सर्दी के दिनों में तो बहुत लड़ना मुश्किल होता है। अमेरिकन आर्मी को प्रैक्टिस नहीं है, तो वो तो पराजित हो गए एक ही मोड़ पर। तभी अमेरिका का जो CIA नाम है उसने प्लान किया, और उनका प्लान ये था कि अमेरिकन आर्मी की मदद से तो हम ये नहीं कर सकते, हमें अफगानिस्तान में कोई तो गुरिल्ला वॉर शुरू करना चाहिए, और उस गुरिल्ला वॉर के लिए तो कोई हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो 1984 में पहला ऑर्गेनाइजेशन बना, और उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया अलकायदा। अमेरिका ने उसको डॉलर दिए, अमेरिका ने उसको वेपन दिए, और उन्हीं के डॉलर से उन्हीं के वेपन से अलकायदा के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने रशियन आर्मी को तो विरुद्ध युद्ध करना शुरू किया। धीरे धीरे अलकायदा से आगे बढ़ते बढ़ते तालिबान आया, और तालिबान उनको जब बनाना पड़ा तो अफगानिस्तान में जो स्टूडेंट मूवमेंट चलता था यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे कुछ, उनको लेकर वो तालिबान बना लिया, तो अलकायदा आ गया, फिर तालिबान आ गया। फिर दोनों को ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका से जो डॉलर आता था, वेपन आते थे, और वो तो अमेरिका के इंस्ट्रक्शन पर रशियन आर्मी के विरुद्ध को लड़ते थे। इसी वजह से मुल्ला मोहम्मद उमर पैदा हुआ, इसी वजह से तो ओसामा बिन लादेन पैदा। तो पहले मुल्ला मोहम्मद उमर और ओसामा बिन लादेन दोनों को अमेरिका ने बहुत सारा सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, मिलिट्री सपोर्ट किया, और उनके जो टेररिस्ट हैं उनको तो ट्रेनिंग देने का काम किया। कभी क्या हुआ कि रशियन आर्मी को भी धीरे धीरे विड्रॉ करने लगी। 1994 में रशियन आर्मी ने वहां से विड्रॉ कर लिया। जब रशियन आर्मी ने विड्रॉ कर लिया तो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आ गई। बाद में ये अलकायदा और तालिबानियों ने तय किया कि अफगानिस्तान का कोई भी गवर्नमेंट चलेगा तो हम चलाएंगे। तो 96 में उन्होंने क्या किया कि जो अफगानी गवर्नमेंट था उसके विरुद्ध विद्रोह करके उन्होंने अपना गवर्नमेंट वहां बनाया, और 96 से तालिबान और अलकायदा दोनों मिलकर अफगानिस्तान को रूल करने लगे। तो मुल्ला मोहम्मद उमर अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट हो गया, और ये ओसामा बिन लादेन डी फैक्टो प्रेसिडेंट हो गए। अभी दोनों ने मिलकर जब अफगानिस्तान को रूल करना शुरू किया तो अमरीका तो बहुत खुश था, क्योंकि ये दोनों अमेरिकन प्रोडक्ट थे। 1998 में एक प्रॉब्लम आ गया अमरीका को, इन दोनों प्रॉब्लम क्या आया हुआ ये कि जब ये सोवियत संघ को आप जानते हैं 94 में तो टूट गया, जब सोवियत संघ टूट गया तो सोवियत आर्मी ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से,
तो पहले बहुत सारे सोवियत संघ के जो राज्य थे वो अलग हो गए, ताजिकिस्तान अलग हो गया, उज्बेकिस्तान अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया, बाइलोरशिया अलग हो गया, ऐसे तो बहुत सारे 70 स्टेट थे वो सभी तो अलग हो और वो नेशन बन गए। बाद में क्या हुआ कि उनमें से कुछ देशों के साथ अमेरिका की दोस्ती हो गई, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान थे। और ये तीनों ऐसे नेशन है जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत और सबसे ज्यादा उनके पास पेट्रोल, क्रूड ऑयल। ताजिकिस्तान में क्रूड ऑयल है, उज्बेकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, ये सभी तो क्रूड ऑयल बहुत है उनके, ऑयल बेस उनका है बहुत बड़ा है। अमेरिकन कंपनी है यूल ऑयल, उसका तो एक सेटेलाइट है जो स्पेस में वो काम करता है। तो यूरोप वाली कंपनी के सैटेलाइट ने एक बार अमेरिकन गवर्नमेंट को तो ये मैसेज किया कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा ऑयल बेस है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में बहुत बड़ा तो ऑयल बेस है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि उनका ऑयल बेस है तो कुछ और भी होना चाहिए, तो और ज्यादा वहां एक्सप्लोरेशन क्यों होगा, तो नेचुरल गैस भी है वहां पर, तो ऑयल भी है, गैस भी है, और इतना ज्यादा है कि अभी 50 ईयर तक वो तो चल सकता, इतना गैस तो बहुत अधिक है, ऑयल तो बहुत। जब अमेरिका को ये पता चल गया कि ये इंडोनेशियन रिपब्लिक में गैस भी है, ऑयल भी है, तभी तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें मिलना चाहिए। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये सभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ नेगोशिएशन किया, डायलॉग किया, और ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तैयार हो गए कि हम अमेरिका को गैस सप्लाई कर सकते हैं, ऑयल सप्लाई कर सकते हैं। तो उसका एग्रीमेंट हुआ, और जब ये एग्रीमेंट हुआ तो एक पाइपलाइन इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से तो अमेरिका के लिए तो डालने का बात तय हो गया। जब इस पाइपलाइन को डालने की बात बनी तो अमेरिका तक वो पाइपलाइन जब जाएगा तो बीच में अफगानिस्तान आता, तो अफगानिस्तान में होकर वो पाइपलाइन जाएगा। तो उसी समय ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उमर ने कहा कि आप यदि यहाँ से पाइपलाइन ले जाएंगे तो हमको तो इस पर कुछ टैक्स चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्र की बाउंड्री से ले जाने वाला। तो जो अमेरिका के पैदा किए हुए बच्चे थे उन्होंने अमेरिका से कुछ बोलना शुरू कर दिया, हमको तो पैसा चाहिए। और ओसामा बिन लादेन को पैसे की बहुत जरूरत, क्योंकि उसको अपना नेटवर्क बनाना है पूरी दुनिया, तो उसका अपना पर्सनल बिजनेस है, उससे तो वो करता ही है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि अगर हम अमेरिका के साथ डील करेंगे तो कुछ तो मिलने वाला, क्योंकि अमेरिका इतना सारा गैस ले जाएगा, ऑयल ले जाएगा, तो थोड़ा हमको भी मिल सकता है। तो झगड़ा यहाँ से तो शुरू हुआ। अमेरिका ने कहा कि इसमें तो हम आपको तो कुछ शेयर नहीं कर सकते। तो ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उन्होंने कहा कि फिर हम आपका पाइपलाइन ले जाएंगे। तो यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन ने अपना एक बार कैबिनेट डिसीजन किया, मीटिंग बुलाकर कि क्या करना चाहिए। तो बिल क्लिंटन के कैबिनेट ने कहा कि इन दोनों को तो हटा देना चाहिए, मुल्ला मोहम्मद उमर और ओसामा बिन लादेन को हटा देना चाहिए। तो बिल क्लिंटन ने CIA को तो बुलाकर ऐसा बोल दिया कि अभी आपको इन दोनों को हटाओ, समाप्त करो। अभी हटाने का भी होता है कि उनको मार भी सकते। तो CIA ने 1998 से तो काम शुरू किया और ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उमर को खत्म करने के लिए, मार देने के लिए, तो पूरा तो उन्होंने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। और वो नेटवर्क बनाते गए तो ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उमर के काफी लोगों को तो उन्होंने खत्म कर दिया। फिर एक दिन तो इनका तो झगड़ा बहुत हो गया CIA के साथ, ओसामा बिन लादेन और मुल्ला मोहम्मद उमर का, और ओसामा बिन लादेन को बहुत गुस्सा आ गया अमरीका के विरुद्ध। तो उसने तो फिर ये प्लान कर लिया WTC को तोड़ देने का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ देने का, और 11 सितंबर 2000 को उन्होंने तोड़ दिया WTO। तभी अमेरिका में प्रेसिडेंट चेंज हो गया, जॉर्ज बुश था। तो जॉर्ज बुश ने कहा कि अभी तो इनको पूरी तरह से समाप्त करना, क्योंकि 1998 में तो ये झगड़ा शुरू हुआ अमेरिका और ओसामा बिन लादेन का। 1998 के पहले तो दोस्ती था, 1998 के बाद तो ये झगड़ा शुरू हो गया।
और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते जब WTP के अटैक में कन्वर्ट हो गया, तभी तो अमेरिका ने कहा कि अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है और एक ही ऑप्शन है कि इनको तो मारना है। तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पर वॉर अगेंस्ट ओसामा बिन लादेन को शुरू हुआ और वही वॉर को अभी चलता है, जिसमें उन्होंने ओसामा बिन लादेन का अलकायदा नेटवर्क को समाप्त कर दिया, तालिबान का नेटवर्क भी टूट गया। अभी ओसामा बिन लादेन मरा नहीं है और मुल्ला मोहम्मद उमर मरा नहीं है, तो अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि जब तक वो मरते नहीं है तभी तक तो अमेरिकन आर्मी वापस जाने वाली नहीं है, और अगर उनके मरने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर कर दिया पाकिस्तान को अटैक करने का, तो अमेरिका के तो ये दोनों जो मरने वाले हैं जिनको वो तय कर चुके हैं, संकल्प कर चुके हैं, वो काम तो अंतिम होगा, क्योंकि उनको मरने में अभी पाकिस्तान की मदद अमेरिका ले रहा है और पाकिस्तान उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये तो सारा नेटवर्क उनका टूट सकता है। इसलिए तो अमेरिका को प्रॉब्लम है कि भारत को तो हमला नहीं करना है, ये तो अपनी स्टोरी है इसके बारे में। तो आप मुझे ये हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को अभी तो अपने राष्ट्र के लिए एक बड़ा अभियान करना चाहिए, एक बहुत बड़ा कैंपेन करना चाहिए, और वो कैंपेन दो स्तर पर करना चाहिए, एक तो डोमेस्टिक लेवल पर देश के अंदर और एक इंटरनेशनल लेवल पर देश के बाहर। डोमेस्टिक लेवल पर क्या कैंपेन करना है, वो ये करना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जितने चैलेंज ट्रेनिंग सेंटर है, यदि यही फीलिंग है तो मुझे फीलिंग है, तो आपको एक छोटा सा काम करिए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड ड्रॉप करें। एक पोस्ट कार्ड कैंपेन मैंने शुरू किया और आजादी बचाओ आंदोलन के हजारों मजदूर से 10,000 पोस्ट कार्ड आपने ड्रॉप किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और उनका जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो तो सभी को तो हैंडओ करेगा, फिर उसके बाद एवरी ट्यूजडे प्राइम मिनिस्टर को तो बताया जाता है कि आपको तो क्या पोस्ट आया, तो वो कैटेगरी तो हो जाता है स्पेसिफिकेशन करने की बात तो बताते, यदि आप एक साथ पोस्ट कार्ड भेजेंगे तो वो सेक्रेटरी को देगा प्राइम मिनिस्टर को कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट से 10,000 पोस्ट कार्ड को आ चुका है और वो डिमांड कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को अटैक करें। सपोज करिए मंडिया डिस्ट्रिक्ट से 10,000 गया, बैंगलोर से गया, हैदराबाद से गया, केरल से गया, तमिलनाडु से गया, सभी जगह से जाता है, और सपोज करिए करोड़ का पोस्ट कार्ड को प्राइम मिनिस्टर को मिलेगा, तो उनको तो कुछ ना कुछ डिसीजन करना हो, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन फाइट करना है और जितने करोड़ लोगों के ओपिनियन को तो मानना पड़ेगा, नहीं तो उनको मालूम है कि इतने लोगों का ओपिनियन अगर नहीं मानेंगे तो वोट तो नहीं मिलने वाला नेक्स्ट टाइम, तो गवर्नमेंट तो नहीं आ सकती उनकी, तो उनको तो आपका ओपिनियन फॉलो करना है। और दूसरा इससे एक तो बड़ा फायदा होगा मुझे कि भारत राष्ट्र में डेमोक्रेसी तो है लेकिन मन में क्रांतिक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है लेकिन मन में है, हमेशा तो डेमोक्रेसी टू में क्रांतिक होना चाहिए। आप मुझे ये मन में क्रांतिक क्या है, मन में क्रांतिक ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोलते हैं और हमको सुनते, डिफेंस मिनिस्टर को कुछ बोलते हैं हमको सुनते, होम मिनिस्टर को बोलते हैं हमको सुनते, आप क्यों नहीं बोलते हो, क्या सिर्फ उन्हीं को बोलना आता है आपको बोलना नहीं आता, क्या आप जीवित नहीं है जिंदा नहीं आप भरे हुए नहीं क्या, क्योंकि जो बोलता नहीं वो तो बोली होता है मर चुका। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के नागरिकों की जो जिंदगी है वो बिल्कुल पर एक्टिव नहीं है, हम तो रिसीविंग एक्ट पर है, प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हमने सुन लिया, डाइजेस्ट कर लिया, आपको उसको कुछ कहिए ना, क्योंकि प्रधानमंत्री को भारत राष्ट्र की जितनी नागरिक ओपिनियन को वहां तक देखने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, अमेरिका में क्या होता है जब भी कोई नेशनल को बड़ा फॉर्म होता है तो वहां का गवर्नमेंट को ओपिनियन फॉर्म होगा, जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अटैक हुआ WTP पर, तो जॉर्ज बुश ने ओपिनियन पोल करा और जॉर्ज बुश ने क्वेश्चनेयर बनाया
वो तो अमेरिकन सिटीजन को दिया गया फिलअप करने के लिए, और उसने एक सिंपल क्वेश्चन उसने कहा कि हमारे राष्ट्र पर, अमेरिका पर भयोत्पादकों ने हमला किया है, आप मुझे बोलिए कि क्या करना चाहिए, ऐसा तो उसने पूछा। अमेरिकन नागरिकों के पास जब वो क्वेश्चन गया, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और जितने उनके सरकारी विभाग हैं उनकी मदद से, तो 94% अमेरिकन सिटीजन ने यह कहा कि हमें अटैक करना चाहिए। जब 94% अमेरिकन सिटीजन ने कहा कि अटैक करना चाहिए, तो जॉर्ज बुश ने कहा कि मुझे तो अभी अफगानिस्तान को अटैक करना है, क्योंकि मेरे 94% सिटीजन ऐसा बोलते हैं और उनका ओपिनियन को फॉलो करना मेरा तो ड्यूटी है, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया और नेक्स्ट टाइम भी यही मुझे प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो मुझे तो इनकी बात सुनना। और उसने अटैक शुरू किया। आप जानते हैं जब तक ओपिनियन पोल का रिजल्ट नहीं आया तभी तक जॉर्ज बुश ने अटैक नहीं किया। अब अमेरिका में तो ये अच्छा है, उनकी तो एक चीज अच्छी है कि वो ओपिनियन पोल करा के, हमारी तो सरकार कभी ओपिनियन पोल नहीं करा, हमारी सरकार कभी हमको ये पूछती ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नहीं करती है तो भारतीय नागरिकों को सामने से करना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, प्रधानमंत्री को एक पोस्टकार्ड लिखिए, आपका अगर थोड़ा फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छा है तो आप उनको इनलैंड लेटर भी ले सकते हैं, और अच्छा फाइनेंशियल कैपेसिटी है आपकी तो आप उनको टेलीग्राम कर सकते हैं। अगर आपके घर में कंप्यूटर है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो प्राइम मिनिस्टर को ईमेल कर सकते हैं, किसी भी मीडियम से आप उनको अपना ओपिनियन दीजिए कि ये हमारा ओपिनियन है। और जब करोड़ ऑफ इंडियन सिटीजन का ओपिनियन वहां जाएगा तो प्रधानमंत्री भारत सरकार को थोड़ी को फैसला करना होगा। इससे तो एक दूसरा काम और होगा कि मान लो कभी इंडियन आर्मी ने अटैक किया और अमेरिका और यूरोप के जो देश में जो प्रो पाकिस्तानी है वो तो हल्ला करेंगे कि आपने अटैक क्यों किया, तो इंडियन आर्मी को डिफेंस करने के लिए तो हम ये कहेंगे कि हमारे 10 करोड़ सिटीजन ने तो हमको ऑर्डर दिया तो हम क्या करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। तो जब जॉर्ज बुश अपने 94% सिटीजन को फॉलो करने के लिए अटैक कर सकता है, तो हमारे तो करोड़ों सिटीजन को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अटैक करना ही पड़ेगा। तो जब भी डिफेंस करना होगा अपनी आर्मी के एक्शन को या अपने सिटीजन को, तो आपका भेजा हुआ जो पोस्टकार्ड है, आपका भेजा हुआ जो एनवेलप है, आपका भेजा हुआ जो ईमेल है, वो तो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो डोमेस्टिक ट्रांसफर को हमें लेकर जिससे तो एक काम और होगा, एक काम क्या होगा वो ये होगा कि भारतीय नागरिकों में अभी काफी कुछ सिविलिज्म आ गया। ये सिविलिज्म क्या होगा तो मैं आपको एक उदाहरण से बता दू। सिविलिज्म ये होता है कि एक्शन कुछ भी नहीं करना, कोई एक्शन नहीं करना, बातें करना। जैसे 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में अटैक हुआ, बहुत सारे नागरिकों ने घर में खूब बहस किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, और शाम को तो दिख रहा देखा उसको, या पास भी कभी लोगों ने देखा और तो सब ऐसा होता, कुछ मतलब नहीं होता। नेक्स्ट डे तो फिर इडली खाया, डोसा खाया, थोड़ा कॉफी पी के वो फिर बहस किया कि पाकिस्तान को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कॉफी का प्याला खत्म हुआ तो डिबेट भी खत्म हो। तो हमारे भारत राष्ट्र में जो नागरिक हैं वो क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन कॉफी के प्याले में क्रांति है, चाय के प्याले में क्रांति है, या घर में डाइनिंग टेबल पर बैठ के वो क्रांति की बातें करते हैं, एक्शन में वो कुछ नहीं करते। अपने पड़ोसी को भी जाके बोलेंगे तो पड़ोसी के घर में करके तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, उसको तो लॉजिकल एंड तक नहीं देगा। ये मेरे जिला में था, और ये मेरे जिला में ना इसमें तो क्या होता है, मैं तो बहुत सारे देश में जाता हूँ, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो जो 100% सिनिक होते हैं ना वो क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं राजीव भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है आगे होगा वो और भी अच्छा होगा, अरे 13 दिसंबर को अटैक हुआ वो अच्छा ही हुआ है, आगे इससे और भी अच्छा होने वाला है,
आप क्या लाए थे, आप क्या ले जाएंगे, जब भगवान कृष्ण ये कह रहे तो हमको क्या करना, हम लोग रुचि कर देखो 100% मैंने कह रहा जिनको कुछ नहीं करना, जो निकम्मे लोग हैं वो तो ये भाषण देना शुरू कर देते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा तो और भी अच्छा होगा, तुमको क्या चिंता है, तुम क्या लाएंगे, तुम क्या देना, ऐसा तो बात है। और ये वो क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने को कुछ नहीं करना है इसीलिए तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि जब तुम भगवान कृष्ण की बात करते हो गीता की, तो तुमको पूरा सच बात करो, ये हाफ ट्रुथ है। आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में ये कभी कहा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा तो और भी अच्छा होगा, ये कभी कहा था। जब अर्जुन ने युद्ध किया और कौरव को मरने लगे और हजारों की संख्या में जब कौरवों की डेथ होने लगी तो अर्जुन को तकलीफ हो गई, और वो तकलीफ में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रश्न किया कि भगवान ये क्या हो रहा है, मेरे हाथों तो हजारों कौरव मर रहे हैं, मुझे तो नरक में जाना होगा। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा वो और भी अच्छा होगा, माने कौरव मर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, आगे बढ़ेगी और भी अच्छा होगा, तुम क्या चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे और क्या लेके जाओगे, तुम युद्ध करो, ये तो कहा होगा। अब हमारे जो निकम्मे लोग हैं वो इसको तो अपने निकम्मेपन को बताने के लिए बोलने लगते हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहा, भगवान कृष्ण करेंगे आपको नहीं कर रहा। आप तो जानते हैं जो भगवान कृष्ण को हम अपना इष्ट पुरुष मानते हैं, देवता मानते हैं, उन्होंने तो ये कहा कि धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों का निर्संहार करने के लिए युद्ध अवश्य भावी है, युद्ध करना ही होता है। धर्म की स्थापना के लिए, शांति की स्थापना के लिए युद्ध करना ही होगा, और भगवान कृष्ण ने ही महाभारत कराया आपके जन्म। अगर वो चाहते तो महाभारत नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि महाभारत हो जाएगा उसके बाद शांति स्थापित होगी, क्योंकि अधर्मियों का नाश हो जाए। तो कुछ लोग भारत में कहते हैं कि यदि भारत पाकिस्तान ये तो होगा तो मैं कहता हूँ बाद में शांति स्थापित हो जाए। एक बार जब कट्टर युद्ध हो जाएगा ना और पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा तो इस पूरे रीजन में तो शांति स्थापित हो जाएगी, और वो शांति तो दूसरों के भी काम आएगी, हमारे भी काम आएगी। तो आप इसको ऐसे मत सोचिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो बंधन है वो दुर्काल के साथ जुड़ा हुआ है, अधर्म के नाश के साथ जुड़ा हुआ है, शांति की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा तो आप कुछ करिए, डोमेस्टिक फ्रंट पर एक एक पोस्टकार्ड प्राइम मिनिस्टर को लिखिए। आप पूछोगे क्या एड्रेस है प्राइम मिनिस्टर का, एड्रेस तो बहुत सिंपल है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साउथ ब्लॉक SOUTH साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, और इसका पिन कोड है 110001 110001 111001। ये तो उनका सिंपल एड्रेस। आपको पूछेंगे प्राइम मिनिस्टर का ईमेल एड्रेस, अगर आप कंप्यूटर रखते हैं, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है या आपके पास ईमेल फैसिलिटी है, तो प्राइम मिनिस्टर का ईमेल एड्रेस मेरा वो एक बाहर स्टॉल लगा है, आप जब जाएंगे बाहर तो वहां आपको मेरे ईमेल से मिलेंगे, जिसका जसवीर सिंह सरदार जी उनसे आपके लिए, उनके पास ईमेल एड्रेस मैंने दे दिया है, प्राइम मिनिस्टर ईमेल एड्रेस वहां से आप भेजे जाते। एक दूसरा मैं आपको और सजेशन करना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक फ्रंट पर यदि आप प्रधानमंत्री को लेटर भेजेंगे, एक काम हमें इंटरनेशनल फ्रंट पर भी करना, और इंटरनेशनल फ्रंट पर क्या करना है कि अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशों की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर सारी दुनिया के साथ, और वो हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए एक सिंपल काम करिए कि आपके पास जितने भी दुनिया के ईमेल एड्रेसेस मिल जाए उससे को आप मेल करिए, और मेल उसमें ऐसा करिए कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ तो अमेरिका ने और किया, 13 सितंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो हमें और क्यों नहीं करना चाहिए। और अगर अमेरिका ये कह रहा है कि आपको और नहीं करना है
तो आपसे ज्यादा हिंदू फ्रेंड कौन है कि आप अमेरिका में देख रहे हो? अभी क्या हुआ था, जब 11 सितंबर 2001 को ये WTC सेंटर जब भी टूट गया तो अमेरिका में मेरे पास बहुत सारे मेल आए, मेरे पर्सनल कंप्यूटर, और मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि अमेरिका से मुझे 23,000 मेल आए। और उन सभी लोगों ने मुझको तो एक ही क्वेश्चन किया कि 11 सितंबर 2001 को हमारे राष्ट्र पर, अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, आप हमारे पास हैं या टेररिस्ट के पास हैं, आप बताइए। ऐसा लोग मुझे मिला और मुझे मेल जिसने किया वो आदमी तो बहुत बड़ा आदमी है अमेरिका, उसका नाम है राल नेटर, वो अमेरिकन बहुत बड़ा लीडर है वहां का और दूसरी प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकता है क्योंकि लास्ट इलेक्शन में वो अभी हारा, जॉर्ज बुश नेक्स्ट टाइम वो भी फाइट कर रहे मैंने उसको फिर से मेल किया और मैंने उसको पूछा कि आपने मुझे मेल क्यों किया, तो उसने कहा कि आप भारत में ओपिनियन मेकर, तो आपका ओपिनियन अगर अमेरिकन के सपोर्ट में आ गया तो हम मानते हैं कि हिंदुस्तान के लाखों लोगों का ओपिनियन अमेरिकन सपोर्ट में आ जाएगा, इसलिए तो हमने आपको मेल किया। तो मैंने उसको कहा कि आप जानते नहीं है हमारे राष्ट्र पर टेररिस्ट अटैक 1980 से चालू है, आपके राष्ट्र पर तो 2001 में हुआ, हमारे यहाँ 1980 से चालू है, आपके राष्ट्र में 4,000 सिटीजन मरे, हमारे यहाँ 55,000 सिटीजन मरे, पहले आप बताइए आप हमारे साथ हैं या पाकिस्तान के साथ, उसके बाद में आपको जवाब। तो राज ट्रेडर ने तो मुझे फिर एक दिन मेल किया और उसने कहा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है मुझे नहीं मालूम, तो मैंने कहा कि पहले आप हमारा प्रॉब्लम समझ लीजिए फिर हम आपसे बात करें। तो उन्होंने कहा आप जब जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री बताइए, तो मैंने 1947 से जब हमारा बंटवारा हुआ और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी था वो सारा जो डिटेल मैंने उसको दे दिया राज ट्रेडर को, जब भी उसने वो कभी स्टडी किया तभी उसने मुझे लास्ट मेल किया और कहा कि आपका मेल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आपके देश का प्रॉब्लम हमसे ज्यादा सीरियस है और आपका जो जम्मू कश्मीर नाम का स्टेट है वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली आपका है लेकिन पाकिस्तान का तो उस पर कब्जा है, ताकत का कश्मीर का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जस्टिस के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें हिंदुस्तान को तो सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा तो उसने कहा। लेकिन मुझे वो मेल पढ़ने के बाद दुख इस बात का हुआ कि राज ट्रेडर जो अमेरिका में बुद्धि प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट इलेक्शन में आने वाला है, उसको कभी माहिती नहीं है कश्मीर प्रॉब्लम का, तो टॉनी ब्लेयर को क्या माहिती होगा कश्मीर प्रॉब्लम, आपको जॉर्ज बुश को क्या इंफॉर्मेशन होगा कश्मीर के बारे में। अभी टॉनी ब्लेयर आया बंजूर में, उसने एक स्टेटमेंट किया, क्या स्टेटमेंट किया, उसने कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन है, ऐसा उसने बोल दिया था बंजूर में। क्यों बोल दिया, उसको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कश्मीर के बारे में। जबकि टॉनी ब्लेयर जैसे आदमी को इंफॉर्मेशन नहीं है, और अभी जब वो दिल्ली गया तो हमारे भारत राष्ट्र का एक व्यक्ति है उसका नाम है करण गौर, उसका एक कंपनी है NDTV, NDTV नाम का कंपनी स्टार क्लस्टर को न्यूज आइटम को लिखा था, प्रणब रॉय को मिला उसको टॉनी ब्लेयर और उसने जाकर उसको डिटेल बताया कि कश्मीर प्रॉब्लम क्या है। तभी टॉनी ब्लेयर ने दिल्ली में माफी मांगा और कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि कश्मीर प्रॉब्लम ये है, नहीं तो मैं ये कभी नहीं कहता पेंडुलम में कि पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पोजिशन कश्मीर पर। आप जानिए इस बात को कि दुनिया में जो रूल करने वाले लोग हैं, टॉनी ब्लेयर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जॉर्ज बुश अमेरिकन प्रेसिडेंट, राल्फ नेडर पूर्वी अमेरिकन प्रेसिडेंट, जॉर्ज चिराग फ्रेंच प्रेसिडेंट, ऐसे दुनिया में जो रूलिंग एलिट है, जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, उनमें से 99% जानते हैं प्रॉब्लम क्या है कश्मीर का, और वो हमको बोलने लगते हैं कि यू शुड रिप्लेस योर सेल्फ। अगर उनको तो पूरा इंफॉर्मेशन होगा तो वो कभी भी ये बात नहीं कहेंगे, तो आज हो गया तो कैसे होगा उनको इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन देने का काम तो आपको करना।
आप क्या कर सकते हैं, आप टोनी ब्लेयर का ईमेल को एड्रेस दे दीजिए और उसको मेल करें, जॉर्ज बुश का मेल एड्रेस दे दीजिए उसको मेल करें, राज ब्रेडर का ले लीजिए उसको करें, फ्रेंच प्रेसिडेंट का ले लीजिए, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर का ले लीजिए, रशियन प्रेसिडेंट का लीजिए, रशियन प्राइम मिनिस्टर का लीजिए, इटालियन प्रेसिडेंट का लीजिए, प्राइम मिनिस्टर का लीजिए। दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसको G27 कहते हैं, G7 से G27, इन सभी के तो जो रूलिंग एलीट्स हैं, जो रूलिंग क्लास के लोग हैं उनको तो मेल करिए, और इसके अलावा उन राष्ट्रों में जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको भी मेल करिए, और उनको मेल करके बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए कि हमारे देश से जमीन जनरली सर्वेस हुआ 28 दिसंबर 2001, तो आप हमारे पास में या पाकिस्तान के पास है, आप बता दीजिए। और जो आपको तो वापस आंसर करते हैं तो उनको तो फिर फर्दर आप मेल कर सकते हैं और उनके ओपिनियन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग अपने भारत के सपोर्ट में वर्ल्ड ओपिनियन बना सकते हैं, जैसे अमेरिकन सिटीजन ने किया आफ्टर 11 सितंबर 2001, एक वर्ल्ड ओपिनियन इन फेवर ऑफ अमेरिका अमेरिकन सिटीजन ने बनाया, जिसने सारे देश करके, तो मुझे लगता है कि हम भारतीय नागरिकों को भी दुनिया के लोगों के सामने हमारा एक ओपिनियन बनाना चाहिए और इसमें पॉलिटिकल एजुकेशन करना चाहिए उनका। और हम अगर इसमें कामयाब होते हैं, सफल होते हैं और दुनिया के बहुत सारे लोगों को हम ये इंफॉर्मेशन दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को तो हम काफी कॉर्पोरेट कर देंगे। बहुत सारे देश में जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका सपोर्ट करता है, कनाडा सपोर्ट करता है, ब्रिटेन सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट करता है, जर्मनी सपोर्ट करता है, ये सभी देश को पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उसका तो एक बड़ा कारण ये भी है कि उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, कश्मीर का प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम क्या है उनको माहिती नहीं, रेजोल्यूशन क्या हुआ था, राजा हरि सिंह ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को बंद कराया था भारत में, उसका एग्रीमेंट क्या था उसकी माहिती, यदि ये डिटेल उनको पता चलेगा तो मुझे लगता है कि उसमें जो सेंसिटिव लोग होंगे वो भारत के सपोर्ट में तो आ जाएंगे। और दुनिया भर के सेंसिटिव लोगों का सपोर्ट अगर हमें मिलता है तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी विजन होगी। किसी को डिप्लोमेटिक एफर्ट है, ये डिप्लोमेटिक एफर्ट भारत सरकार को करती है अपने लेवल पर, लेकिन उसमें क्या होगा, भारत सरकार का लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, जब भारत सरकार ये काम शुरू करेगी तो दुनिया के देश और पाकिस्तान को ये कहने का मौका मिलेगा कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है। जब भारत के नागरिक ये करेंगे तो लोगों को ये मैसेज आएगा कि वो भारत के नागरिक हैं, भारतीयता से प्रभावित हैं, अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, इसलिए तो वो ओपिनियन बना। तो नागरिकों द्वारा जो ओपिनियन बनाया जाएगा वर्ल्ड ओपिनियन, वो तो बहुत दूर तक जाने वाला है, और सरकार के द्वारा बनाया गया ओपिनियन तो ज्यादा। तो एक हमें इंटरनेशनल लेवल पर एफर्ट करना है और एक डोमेस्टिक लेवल पर एफर्ट करना, तो ये तो दो डिवीजन में करना है। और एक तीसरा और आखिरी निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि ये अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये सभी देशों का डिप्लोमेसी को एक्सपोर्ट करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। आप जानते हैं कि ये सभी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड करते हैं। अभी अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 दिसंबर 2001 तक पाकिस्तान को 14,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल एड किया, मदद किया। अब 14,000 करोड़ रुपए जब भी पाकिस्तान को अमेरिका से मिला तो वो पाकिस्तान में लगते तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार जैसे ऑर्गेनाइजेशन को देते। अमेरिका ये पैसा उसको डेवलपमेंट के लिए देता है और पाकिस्तान उसको टेररिस्ट के डेवलपमेंट में यूज करते, ऐसा तो नहीं। क्लियरली अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के सभी देश मिलकर पाकिस्तान को 20 to 25,000 करोड़ रुपए हेल्प करते क्लियरली, और वही हेल्प का पैसा जो पाकिस्तान को आता है पाकिस्तान उसको टेररिज्म में यूज करता। तो आप मुझे ये हमें इसे क्या भूमिका दिलानी चाहिए, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो अमेरिका, जो फ्रांस, जो ब्रिटेन पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, उस अमेरिका, उस ब्रिटेन को आप फाइनेंशियल हेल्प मत करें। तो आप मुझे ये हम क्या फाइनेंशियल हेल्प करते हैं,
हम लोग जब भी अमेरिकन कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जर्मन कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ब्रिटिश कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हम फाइनेंशियल हेल्पिंग कंट्री को करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैसूर में कोई भी व्यक्ति अगर पेप्सी कोला को पीता है तो अमेरिका को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। अमेरिका को फाइनेंशियल सपोर्ट और कैसे होता है, यदि आप कोका कोला पीते हैं तो अमेरिका को फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, आप कॉलगेट परचेज करते हैं तो अमेरिका को फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, आप फिक्स परचेज करते हैं अमेरिका को फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। तो ये जितने अमेरिकन प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं हमारे पर्सनल लाइफ में, वो सभी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट अमेरिका को होता है। कैसे होता है, यदि आप एक पेप्सी परचेज करते हैं तो उसमें 7 रुपीज अमेरिका ट्रांसफर होगा एज ए नेट प्रॉफिट। कैसे होता है, पेप्सी बॉटल जब आप मार्केट से परचेज करेंगे मैसूर में तो उसका MRP है एस्टिमेटेड प्राइस है 10 रुपीज, जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 70 पैसा। 70 पैसा में पेप्सी का कॉस्ट है और 1 रुपीज 30 पैसा उसमें टैक्स है और 1 रुपीज शॉपकीपर का मार्जिन है। तो दुकानदार को 1 रुपया मिलता है, 1 रुपये 30 पैसे सरकार को मिलता है, 70 पैसे को बनाने का खर्च होता है। तो अमेरिकन कंपनी है पेप्सी, उसको टोटल एक्सपेंसेस 3 रुपीज पर बॉटल और उस बॉटल को सेल करते हैं 10 रुपीज पर बॉटल, तो उसको नेट प्रॉफिट है 7 रुपीज। वो 7 रुपीज को यहाँ से अमेरिका ट्रांसफर करते हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल बिजनेस रूल है और वो बिजनेस रूल ये है कि जो भी कंपनी अमेरिका से भारत में आकर व्यापार करेगा तो उसको जितना भी प्रॉफिट होगा वो भारत से अमेरिका जाएगा। तो यदि हम पेप्सी परचेज करते हैं तो पैसा अमेरिका ट्रांसफर हो जाता है, कोक परचेज करते हैं तो अमेरिका होता है, कितना होता है पर ईयर भारत के लोग एक वर्ष में 480 करोड़ बॉटल पेप्सी कोक का परचेज करते हैं। तो ईयरली हम अमेरिका को 3,400 करोड़ रुपीज ट्रांसफर करते हैं। यदि हम 3,400 कोटी रुपए अमेरिका को ट्रांसफर करते हैं, अमेरिका वही फाइनेंशियल एड के नाम पर पाकिस्तान को ट्रांसफर करता है, पाकिस्तान जो लश्कर ए तैयबा को ट्रांसफर करता है और वो आगे सारा लेट कर रहे हैं, ऐसा तो नीचे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम हो, आप चाहते हैं कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समाप्त हो जाए, तो आप अमेरिका को फाइनेंशियल हेल्प करना बंद करिए और आप पेप्सी और कोक को खरीदना बंद करिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो भी व्यक्ति पेप्सी और कोक खरीद रहा है वो भारत माता का पैसा दुश्मन से दे रहा है, शत्रु को दे रहा है, और जो भारत माता का पैसा दुश्मन और शत्रु को देगा वो तो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। और मैं आपको एक बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला, वो पहले मुझे नहीं मालूम था। पेप्सी और कोक को बनाने में एक केमिकल यूज होता है जिसका नाम है सोडियम ग्लूटामेट और वो केमिकल ओसामा बिन लादेन की फैक्ट्री में बनता है। अभी ओसामा बिन लादेन जो है वो सऊदी अरब में केमिकल इंडस्ट्री का मालिक है, उसकी इंडस्ट्री में कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, वो अमेरिकन कंपनी उससे परचेज करता और वही कंपनी को हम पैसा देते हैं। तो अल्टीमेटली तो आपका पैसा वो किसी दुश्मन से हाथ होगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि ये अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी जैसे देशों का जो हिपोक्रेसी है और वो पाकिस्तान स्ट्रेंड है उसको अगर आप डिल्यूट करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो अपने देश में एक फाइनेंशियल सपोर्ट करना बंद कर। आप जानते हैं अमेरिका ने कई बार ऐसा किया, हमारे भारत राष्ट्र के कंपनी जो अमेरिका में लिस्टेड करते हैं उनको अमेरिका ने बैन कर दिया। 1998 में भारत की कंपनियों को अमेरिका ने बैन किया है। जब हमारे देश में एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ अमेरिका ने हमारी कंपनी को बैन किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर अमेरिका हमारे भारतीय कंपनियों को बैन कर सकता है तो अमेरिकन कंपनियों को हम भारत में क्यों नहीं बैन करेंगे। तो उनको तो वैलिडिंग एक्सपायरी अगर करना है, जवाब देना है, तो उसका तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना करें। तो कौन कौन सा अमेरिकन प्रोडक्ट है जो आप कभी भी परचेज ना करें, पेप्सी है, कोका कोला है, थम्सअप है, लिमका है, सिप्रा है, मिरिंडा है, मैंगो फ्रूटी है, फिर एक अमेरिकन प्रोडक्ट है कॉलगेट है,
फिर फ्लोर है, इलाका है, गवर्नमेंट है, पेस्टोरेंट है, ये सभी बॉयकॉट करना है। फिर उसके बाद रिस्क नाम का एक मेडिसिन है जो 100% अमेरिकन है, एक अमेरिकन कंपनी है डॉक्टर एंड गैम्बल, उसका वो मेडिसिन है, वो आप बॉयकॉट करें। अगर आप फार्मर्स हैं और फार्मिंग बिजनेस करते हैं तो एक अमेरिकन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक्री होता है यहाँ कर्नाटक में, उसका नाम है एंडोसल्फान, वो कीटनाशक एंडोसल्फान है, मेलाथियन है, पैराथियन है, जल्दी एक्सपर्ट हो रही है, उसको तो भी बायकॉट करना होगा। आप पूछोगे अगर हम फार्मिंग बिजनेस करते हैं, फार्मर्स हैं, हम एंडोसल्फान यूज नहीं करेंगे, मेलाथियन पैराथियन जल्दी एक्सपर्ट हो रहा है यूज नहीं करेंगे, तो हमारा तो क्रॉप पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब भी पेस्ट आता है तो क्रॉप तो समाप्त होता है, तो कीटनाशक को लगता। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑल्टरनेट देना चाहता हूँ, क्या आप एंडोसल्फान बंद करेंगे, पैराथियन मेलाथियन बंद करेंगे, उसके बाद भी आप कीटनाशक को यूज कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, जब भी आपको फार्मिंग बिजनेस में कीटनाशक की जरूरत हो, आप गोमूत्र का स्प्रे कर दीजिए, वो बेस्ट ऑल्टरनेट। और गोमूत्र का स्प्रे कैसे करना है, 1 लीटर गोमूत्र लीजिए और 1 लीटर नील लीजिए, 1 लीटर गोमूत्र और 1 लीटर नील में मिक्स करिए और उसको स्प्रे कर दीजिए, तो आपको कोई कीटनाशक इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं फार्मिंग बिजनेस में हूँ, मेरे गांव में मैं खेती करता और मेरे घर में जब मैं खुद फार्मर का तो देखा, मेरे पिताजी को मेरे घर में तो सभी लोग फार्मिंग बिजनेस करते हैं, जब भी मेरे खेत में कोई कीट आता है मैं हमेशा गोमूत्र स्प्रे करता और 1990 से तो मैं ये कर रहा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और गोमूत्र स्प्रे करने के 24 आवर्स आपको रिजल्ट आ जाता है, और गोमूत्र का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। एंडोसल्फान का तो साइड इफेक्ट बहुत ही भयंकर है, एंडोसल्फान का इतना साइड इफेक्ट है कि आपको कैंसर हो सकता है। यहाँ मैंग्रोव और उडुपी में एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है पेड्रे। उस गांव में जितने भी फार्मर है वो द्राक्ष का को क्रॉस करते ग्रेस करते, और जब भी उनको कीटनाशक की जरूरत होती है वो एंडोसल्फान स्प्रे करते। अभी उस गांव में सीरियस प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या हुआ है, उस गांव में 167 फार्मर कैंसर से तो उनकी डेथ हो गई जो एंडोसल्फान स्प्रे करते। ये तो आपके कन्नड़ में एक मैगजीन पब्लिश होता है, उसका नाम है तरंग, तरंग नाम का एक कन्नड़ मैगजीन में मैंने ये रिपोर्ट पढ़ा। मेरे एक मित्र है, मणिपाल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, उनका नाम है डॉक्टर रवींद्रनाथ शांता। उन्होंने तो मुझे एक बार बताया कि राजीव भाई हमारे तो गांव में बैंगलोर रूपी के पास तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, एंडोसल्फान स्प्रे करने से तो फार्मर को डेथ हो रहा, कैंसर हुआ। मैंने उनको कहा कि आप मुझे डिटेल रिपोर्ट जरा भेजिए, उन्होंने मुझे भेजा, तो रिपोर्ट सुनकर तो मुझे इतना दुख हुआ कि गांव में टोटल पॉपुलेशन है 2500, उसमें 50% मेल है, 50% फीमेल है, जितने भी मेल हैं गांव में सभी को प्रोस्टेट कैंसर है और जितने भी फीमेल हैं उनको तो यूट्रस और कैंसर हो गया, और जो छोटे बच्चे हैं गांव में सबको तो उनके ऊपर तो एक बार टेस्टिंग हो चुका है, हैंड टेस्टेड टेस्ट हो ऐसे हो। तो गांव का कुछ फोटोग्राफ भेजा मुझे डॉक्टर रवींद्रनाथ शांता ने, एक फोटोग्राफ उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का भेजा जो तो इतना हाइट में है और उसका 32 ईयर्स का एज और हाइट तो उसका ही। मैंने डॉक्टर रवींद्रनाथ शांता से पूछा कि आपने तो सर्वे किया गांव का, आपको जो समझ में आया ये प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने कहा ये एंडोसल्फान जो यूज करते हैं फार्मर के वहां से प्रॉब्लम आया और अमेरिकन प्रोडक्ट है एंडोसल्फान, और आप तो जानते नहीं अमेरिका में एंडोसल्फान टोटल ही बैन, भारत में तो नहीं था और उनका कंपनी यहाँ से नहीं करता। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप फार्मिंग बिजनेस है तो ये इमीडिएट स्टॉप कर दीजिए एंडोसल्फान को, और एंडोसल्फान यूज नहीं करेंगे तो उसके साथ बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये भी बंद कर दीजिए। आपको जब भी कीटनाशक चाहिए आपको गोमूत्र का स्प्रे करिए, गोमूत्र तो एक ऐसी चीज है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप जितना भी चाहते यूज कर सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत अच्छा लाभ मिलता। लाभ क्या होता है, जब भी मैंने गोमूत्र स्प्रे किया मेरे फार्म में तो मेरा जो सॉइल है वो बहुत फर्स्ट
तो डाबर नाम का कंपनी ने भी सब शुरू किया, झट्टू फार्मी कर लिया। और वो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि गोलमूत्र में तो बहुत पोटेंशियल कैपेसिटी है, ये कैंसर ठीक कर सकता है। तो अभी थोड़े दिन में क्या होगा तो मैं आपको बताता हूँ। गोलमूत्र 300 रुपीज पर लीटर को बेच के आना है, गाय का दूध को 10 रुपीज लीटर मिलेगा, गोमूत्र 300 रुपीज पर लीटर। क्यों होगा ऐसा? जब कैंसर ठीक होगा गोमूत्र से तो उनका तो प्राइस बढ़ने वाला है। तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप लक्ष्मीपति होना चाहते हैं तो गाय को रख लीजिए अपने घर। अगर आपके पास मोटरसाइकिल और स्कूटर है उसको तो बेच दीजिए, गाय को खरीदिए। ये मोटरसाइकिल स्कूटर तो बंद होने वाला थोड़े दिन, गाय तो रहने वाली। और गाय रखना तो हमेशा देसी गाय रखना, स्वदेशी विदेशी नहीं। गाय दो तरह का होगा, एक विदेशी गाय और एक देसी गाय। विदेशी गाय माने जर्सी होलस्टीन, वो नहीं रहेगा, उसका मूत्र कुछ काम करे। मैंने उसको बहुत बार स्प्रे किया, कोई रिजल्ट नहीं आता, यूज रहते। लेकिन जो देसी गाय है उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो गाय कभी भी लेना आप देखिए, तो एक तो दूध पीने को मिलेगा, मूत्र उसका मिलेगा, उससे तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा। गाँव में किसी को कैंसर का बीमारी है वो भी ठीक हो सकता है, जिनको ज्वाइंट पेन है, आर्थराइटिस है वो भी ठीक होता है, डायबिटीज है वो भी ठीक होता है। ऐसे अंतरनेट डिजीज है जो ठीक हो गए, बस उसका ज्ञान चाहिए हमको। और वो ज्ञान के लिए मैंने उसका कमा है, उसको कोई कॉपीराइट नहीं। आपको लीजिए, उसको कॉपी करिए, पब्लिश करिए, गाँव गाँव में बांटिए। मैं चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। तो इससे क्या होगा, पूरा जो हमारा फार्मिंग बिजनेस सेल्फ सफिशिएंट होगा और अमेरिकन कंपनी का एंडो सरमान बंद होगा तो हमारे जो कैंसर से बचेंगे और हमारे जो पैसा अमेरिका ट्रांसफर होगा वो भी पैसा तो हमारा बच जाएगा। तो मेरा आपसे तो ये लास्ट रिक्वेस्ट था कि आप अगर अमेरिका और ब्रिटेन की हिपोक्रेसी को बदलना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करना बंद करिए, अमेरिकन यूरोपियन कंपनियों के प्रोडक्ट परचेज करना बंद करिए। और वो प्रोडक्ट कौन से हैं, तो अमेरिकन है, यूरोपियन है, उसका मैंने कर पत्रिका बनाया है। वो कर पत्रिका भी आपको स्टॉल पर मिल जाएगा। वो कर पत्रिका का कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है, वो आप ले लीजिए। कर पत्रिका पर मैंने पूरा बताया है कौन सा फॉरेन प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, कौन सा स्वदेशी प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट है। तो कभी भी आप कोई फॉरेन प्रोडक्ट परचेज मत करिए, अधिक से अधिक तो इंडियन प्रोडक्ट की परचेज करिए। तो इतना तो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया था। अगर आप मेरा ये निवेदन स्वीकार करेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपने इतने सारे शांति से मुझे सुना, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್